हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन को। दोस्तों, ये बिजनेस कम्युनिकेशन की सीरीज़ है जिसमें यूनिट फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ यूनिट तक की आपकी सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कल एग्जाम है, तो सारी चीज़ों की सारे सेपरेट वीडियो को मैंने ऑलरेडी अलग से बना करके रखा हुआ है। बट ये एक वीडियो एक ऐसा है जिसमें से सारे डाउट्स और सारी चीज़ों को आपकी सारी चीज़ों को क्लियर होगा बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही जल्दी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिजनेस कम्युनिकेशन को। और स्टार्ट करने से पहले एक और भी चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं, दैट इज कि देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कॉमन होता है, हर एक जगह पर इसको देखने को मिलता है, चाहे वो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, एमबीए में हो, बीबीए में हो, ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशन बीए एमए जो भी होता है, तो उनके अकॉर्डिंग सारा सभी जगह पर ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। वो अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि कहीं पर इसको प्रोफेशनल स्किल्स के नाम से बोल देते हैं या फिर कम्युनिकेशन, है ना, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बट होता सारी जगह पर सेम ही है। वहीं पर आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के अलावा इसके अलग अलग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ यूनिट तक के जितना टाइम लगेगा उतने पूरे टाइम को दिया जाएगा, और डिटेल्ड वीडियो सारी चीज़ों को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये रिविजन वीडियो, इस वजह से थोड़ा सा मैं शॉर्ट में सारी चीज़ों को कवर करूँगा। ठीक है, तो जैसा यहाँ पर नाम लिखा है बिजनेस कम्युनिकेशन, ये नाम से ही पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन तो है, बट यहाँ पर बिजनेस टर्म यहाँ पर जोड़ करके सीधा से इसमें क्लियर हो गया है कि ये जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल चीजों से रिलेटेड है, फॉर्मल चीजों को डील करता है। ठीक है, अब ये देखो, मीनिंग डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो पूछा ही जाएगा, मतलब कि कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन का एग्जाम हो उसमें कम्युनिकेशन के बारे में ना पूछा जाए तो वो हो ही नहीं सकता, वो आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। बट यहां पर कम्युनिकेशन की आपको डिफिनेशन, उसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, कम्युनिकेशन से आप एक्चुअल में समझते हो क्या हो, ये चीज बहुत मैटर करती है। बहुत सारे लोगों को इसको दिक्कत होती है और बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े पेजेस को लिखते हैं, बहुत बड़ी थ्योरीज को लिखते हो। ठीक है, वो सब सही बात है, बट आप सिंपल समझ शब्दों में यहाँ पर ये चीज़ समझ लो कि ये कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है कि एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस पर्सन और ग्रुप टू अनदर। यहाँ पर दो बार प्लेस लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस पर्सन और ग्रुप टू अनदर, मतलब कि एक जगह से, एक स्थान से, एक ग्रुप से दूसरी जगह तक जब हम भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, वही हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक जगह से बैठ करके दूसरी जगह पर से आपको यहां पर से कम्युनिकेट कर रहा हूं, अपनी चीजों को बता दूं, ये क्या है हमारा कम्युनिकेशन, आप वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये क्या है कम्युनिकेशन है। तो यानी कि एक जगह, प्लेस से, पर्सन से और ग्रुप से दूसरी जगह तक की बातों को पहुंचाना, इंफॉर्मेशन को डील करना, यही क्या है कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें दो लोगों का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है, एक बताने वाला यानी कि एक जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला और दूसरा इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने वाला, तो वन सेंडर और वन रेसिपिएंट, मतलब कि एक सुनने वाला और दूसरा क्या है, समझने वाला या सुनने वाला होना चाहिए। ठीक है, एक बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला। ठीक है, तो यही दो लोगों को डील करता है। इसके अलावा जो इन शॉर्ट में अगर बात किया जाए तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, ये तीन चीज़ें, जैसे कि एक बोलेगा वो क्या बोलेगा, यानी कि वो टेलिंग कर रहा है, यानी कि वो बोल करके चीज़ों को बता रहा है, और जो दूसरा है जैसे कि आप हो तो वो क्या कर रहे हो, लिसन कर रहे हो, सारी चीज़ों को सुन रहे हो, और सुन करके क्या कर दो, समझ जाओ। तो ये प्रोसेस किसका होता है, टेलिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग का। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और तीन चीज़ों के अलावा अगर आपके पास में कोई और भी, जैसे स्कॉलर्स होते हैं अलग अलग, अकॉर्डिंग टू इनके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, है ना, जैसे कोई कोई स्कॉलर्स के नेम के बेसिस पे भी उनकी डिफिनेशन को लिखा जाता है, तो वो सब आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ये सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में सारी चीज़ों को ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है, सारी चीज़ों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप देख सकते हो जाकर के। ठीक है, तो अभी देखो कि जैसे कि आपको ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर से आपको तीन चीज़ें आपको जरूर से लिखनी है। इसके अलावा अब इसके इंपॉर्टेंस की बात है, तो इसका इंपॉर्टेंस तो भैया बहुत है, है ना, कहीं पर भी आप अपने मन से भी इसको बना करके सोच करके देख सकते हो कि बिजनेस के ग्रोथ को करने के लिए, अपनी ट्रेनिंग में, एजुकेशन को रिसीव करने के लिए, ठीक है, इसके अलावा कि लोगों को समझाने के लिए, खुद समझने के लिए, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉर्पोरेट करने के लिए, लोगों के साथ में, है ना, समन्वय बनाने के लिए, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कि मिसमैनेजमेंट हो गया, कंफ्यूजन हो गया, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, और कम्युनिकेशन की क्राइसिस हो गया, तो ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। भाई, बातों के ही थ्रू तो आप दूर करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इंपॉर्टेंस हो गई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस में कुछ खास नहीं है। अब देखो, यहाँ पर देखो प्रोसेस आ गया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात होती है तो यही एक चीज़ होती है दोस्तों, ये क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है,
जिसमें से आपके 6 प्रोसेस होते हैं, यानी कि 6 स्टेप्स होते हैं। 6 स्टेप्स को अच्छे से याद कर लो। सबसे पहला यहाँ पर स्टार्ट होते हैं कम्युनिकेटर और सेंडर, यानी कि जो भी स्टार्ट करेगा, जो भी मैसेज को डिलीवर करना स्टार्ट करेगा। जैसे मैं हूँ, मैं अपना जो भी मैसेज आपको दे रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ों को बोल करके बता रहा हूँ, ये क्या है, ठीक है, कम्युनिकेटर हूँ, मतलब मैं आपको चीज़ें बोल करके बता रहा हूँ। अब किसके थ्रू बता रहा हूँ, कोई मेरे पास में मैसेज है या फिर इन्फॉर्मेशन है, बोल करके बता रहा हूँ, लिख करके बता रहा हूँ, प्रेजेंट करके बता रहा हूँ, पीपीटी के थ्रू, तो ये क्या है, हमारा मैसेज हो गया, यानी कि मैसेज है। और चैनल या फिर टूल, जैसे कि आप ऑनलाइन देख रहे हो तो ये आपका चैनल हो गया, ठीक है। अगर ऑफलाइन भी देखते या फिर फेस टू फेस बात करके लिख करके बात करते तो ये सब क्या था, यानी कि मैं किस तरीके से, कौन से चैनल के थ्रू आप बात कर रहे हो। तो चैनल का मतलब क्या हो गया कि द टूल विच मेक्स अ ब्रिज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, यानी कि आप एक तरीके से इसको आप टूल बोल सकते हो कि आपकी और बीच में जो भी एक तरीके का ब्रिज बन रहा है, कौन बन रहा है यहाँ पर, अभी यहाँ पर ऑनलाइन बन रहा है, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो को देख हो तो यह क्या है, हमारा ऑनलाइन ब्रिज है, ठीक है। तो यहां पर जिस भी टूल के थ्रू आप हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हो, मैं अपनी बातों को आपको बता पा रहा हूं, वही हमारा क्या होता है, टूल और मीडियम। अब देखो यहां पर फोर्थ नंबर पे आता है हमारा हैंडलिंग ऑफ मैसेज। हैंडलिंग ऑफ मैसेज का मतलब क्या होता है कि व्हेन मैसेज रीचेज द ऑडियंस सक्सेसफुली, है ना, विदाउट एनी डिले, और यू कैन से कि अगर बहुत सारे अलग अलग हर्डल्स होते हैं तो उन सभी बाधाओं के चलते अगर जो भी आसानी से आपके तक जो भी मैसेज पहुँच जाता है, वही क्या है हमारा, कि किसी बैरियर के नहीं होता है कोई भी कम्युनिकेशन में, वही होता है हमारा हैंडलिंग ऑफ द मैसेज। हैंडलिंग ऑफ द मैसेज रिप्रेजेंट्स कि मतलब कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही स्मूथली चल रहा है। लाइक कि अगर देखो, अब मान लो इंटरनेट का इशू आ रहा है तो वहाँ पर हैंडलिंग ऑफ मैसेज क्या होगा कि बार बार कटेगा, है ना, या फिर फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं और फेस बहुत कहीं पर नॉइज़ क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो नॉइज़ क्रिएट होना भी क्या हो गया, हर्डल हो गया, तो यानी कि बाधा उत्पन्न हो रही है या फिर बैरियर हो गया। तो हैंडलिंग ऑफ द मैसेज रिप्रेजेंट्स कि व्हेन जब हमारा मैसेज जो होता है रीचेस द ऑडियंस सक्सेसफुली, जब ऑडियंस तक मेरा जो भी मैसेज है वो सक्सेसफुली पहुंच जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हैंडलिंग बोलते हैं। देन रिसीवर और ऑडियंस, रिसीवर और ऑडियंस का मतलब क्या होता है, जो सुनने वाला है, समझने वाला है, वो क्या हो गया हमारा रिसीवर, यानी कि आप जो सुन रहे हो वो कौन हो, रिसीवर हो। देन हमारा फीडबैक आता है, फीडबैक के बिना कोई भी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल या फिर पूरा नहीं होता है, ठीक है, जब तक कि आप लिख करके बताओगे नहीं कि हाँ आपका वीडियो कैसा लगा या फिर वीडियो कैसा लगा। ये तो एक तरीके से एग्जांपल हो गया, मान लो उसमें आप बताओ कि हाँ ठीक है, कहीं पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत लगे वो चीज़ बताओ। तो इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है कि सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लो सुनने वाले ने सुन तो लिया, बट उसका अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये तो अलग बात है कि चलो मान लो ठीक है वो आप नहीं बताते हो, बट अगर मैं, मुझे नहीं पता चले, लेट सपोज कि अगर मुझे नहीं पता चले कि मेरे वीडियोज़ को कितने लोगों ने देखा, ठीक है, मुझे व्यूज़ को नहीं पता चले, तो वो क्या हो गया, यही तो हो गया हमारा, है ना, फीडबैक, कि अगर मुझे नहीं पता चले तो मैं आगे की वीडियोज़ को क्यों पोस्ट करूंगा, है ना, मैं लोगों को क्यों समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि फीडबैक ही नहीं मिला। तो वहां पर से फीडबैक एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। फीडबैक क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, मतलब फीडबैक के बिना जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको पूरा नहीं माना जाता। तो सिक्स इंपॉर्टेंट चीज इज कि यहां पर फीडबैक होता है। तो यही क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सिक्स थिंग्स हैं, 6 चीजें, इनको अच्छे से ध्यान रखना। अभी देखो मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से मीडिया के थ्रू आप बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, तो ये आपका इसके अंदर आता है, जैसे चैनल और टूल ऑफ मीडिया, मतलब कौन कौन से थ्रू आप बात कर सकते हो। एक आपका रिटेन कम्युनिकेशन आता है, लिख करके बात कर सकते हो, देन ओरल, मतलब कि बात करके, है ना, बात करके लिख सकते हो। विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है, विजुअल का मतलब आप चीज़ों को देखते हो, विजुअल कम्युनिकेशन में आपका जैसे कि बहुत सारी चीज़ों, जैसे आपका पोस्टर लगा करके बात हो रही है, बैनर के थ्रू बात हो रही है, जैसे कि कहीं पर, अभी देखो आप कहीं नई बिल्डिंग में जाओ, अब आपको वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम के लिए क्या है कि जगह पर लिखा होता है, केवल लिखा होता है कि उस जगह पर वॉशरूम है, आप कम्युनिकेट, मतलब समझ पाते हो कि हाँ ठीक है मुझे तो उस जगह पर उस डायरेक्शन में जाना है, यानी कि यही क्या हो गया हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे कि आप टीवी को देखते हो, सिनेमास को देखते हो, यूट्यूब वीडियोस को देखते हो, ये क्या है हमारा ऑडियो विजुअल, मतलब इसमें हम देखो बात को बता भी रहे, बोल करके भी बता रहे हो, आप चीज़ों को देख रहे हो, अगर दोनों में से एक चीज़ भी खत्म हो जाए, केवल अगर वीडियो चलती रहे तब पर भी आप नहीं समझ पाओगे, अगर या फिर मेरी आवाज़ ब्रेक हो जाए, केवल सारी चीज़ें चलती रहें तब पर भी आप नहीं समझ पाओगे, अगर मैं केवल बोलता रहूँ
आपको दिखाई ना पड़े तब पर भी आप समझना नहीं पाओगे ना उस केस में भी। और कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन मतलब कंप्यूटर से जो भी बेस्ड कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन। तो मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन में यही आपके 5 टाइप्स होते हैं, इनको आप अच्छे से कर पाओगे और अलग अलग तरीके पर से दिखा पाओगे। यहाँ पर देखो पर्पज़ एंड फंक्शंस क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। तो पर्पज़ में बात किया जाए या फिर फंक्शंस में बात किया जाए तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, ठीक है, ऑर्डर को देना, ऑर्डर किससे दिया जाएगा कम्युनिकेशन के थ्रू दिया जाएगा, वार्निंग देना, ठीक है, एडवाइस देना किसी को, रिलेशनशिप बिल्ड करना हो किसी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन में या फिर अलग अलग तरीके की कंपनी के थ्रू, ठीक है, किसी को मोटिवेट करना हो, किसी को ट्रेनिंग देना हो, किसी को एजुकेशन देना हो, सजेशन किसी को देना हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए जो भी बातें की जाती हैं उन सारी चीज़ों को करना हो, वो हमारे सब किसके अंदर आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें क्या है, पर्पज़ है कम्युनिकेशन का, क्या है पर्पज़ है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करके ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर से जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो मैंने ऑलरेडी इसका जो भी है सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करके रखा हुआ है। यहाँ पर इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन MBA KMBN 107, ठीक है। तो इस जगह पर प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे तो देखोगे आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिलेगी। इसके अलावा मैं कई बार कई जगहों पर प्रोफेशनल इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल देखो इसकी एक अलग से वीडियो को बना चुका हूँ, बार बार वही सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई बार यहाँ पर मैंने 2-3 और अलग से प्लेलिस्ट बना करके रखे हुए, देखो कम्युनिकेशन की ये एक अलग से प्लेलिस्ट है, कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस एंड मीडिया, ठीक है। मतलब ये सारे टॉपिक्स को मैं बार बार मतलब हर जगह पर हर एक तरीके के सिलेबस में होता है तो इसको मैं सारी जगहों पे ऑलमोस्ट कवर करके रख चुका हूँ, ठीक है। तो आप जरूर से देखो जाकर के अगर आपको डिटेल में सारी नॉलेज को चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे के क्या है। तो आगे यहाँ पर देखो हमारा क्या है कि कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये चीज़ के बारे में जब भी बात आती है तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा कम्युनिकेशन का। एक हमारा होता है चैन, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया, अच्छे से इसको देख लेना। चैन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब भी लाइन के थ्रू बात होती है मतलब एक के बाद में एक आदमी जो भी बात, जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट्स हो गए वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा चैन, मतलब कि एक के बाद में एक कोई भी बात कर रहा है, ठीक है। तो या फिर इस तरीके से आपका चैन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सर्कल स्ट्रक्चर में किस तरीके से होता है, जब भी कभी थोड़ा सा फॉर्मल वे में बात करना होता है, 2-4 लोगों का आपस में एक ग्रुप बन गया, कोई भी आप एक दूसरे से बात नहीं करेगा, है ना, जैसे कि अगर BD से नहीं बात करेगा लेकिन एक दूसरे के थ्रू बात करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के थ्रू। जैसे कि मुझे कहीं पर से कॉल करना हो कहीं पर से और बोलना हो कि मुझे उनसे बात करनी है, ठीक है, तो मैं किसके पास में कॉल करूंगा, ए के पास करूंगा, ए किसको बताएगा, ई को बताएगा, इसको बताएगा, इस तरीके से मतलब ये सर्कल बनता है। बट इसमें क्या है कि एक दूसरे के थ्रू बात नहीं होती। अभी यहाँ पर देखो ऑल चैनल्स यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर क्या होता है इस तरीके में जब भी इनफॉर्मल बातों को करना होता है, जैसे कि देखते हो गया हम लोग 2-4 लोगों का ग्रुप बन जाता है फ्रेंड्स में और एक दूसरे के थ्रू सब लोग बात करते हैं ना, किसी से भी कोई भी बात कर सकता है। फिर ग्रुप डिस्कशन जब भी होता है तो एक दूसरे के थ्रू सब कोई आपस में बात कर सकता है, तो इसी को बोलते हैं कि ऑल चैनल यानी कि स्टार स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में व्हील का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक मैनेजर हो गया और एक या फिर एक सुपरवाइजर हो गया, वो क्या करता है सभी लोगों को ऑर्डर दे रहा है कि ये तुमको काम करना है, ये तुमको करना है, ये तुमको करना है, तो इस तरीके से व्हील हो गया। और वाई पैटर्न में क्या हो गया कि यानी कि दो मैनेजर्स हो गए, ठीक है, उन सभी की बात को सारे एम्प्लॉयज क्या करते हैं मानते हैं। जैसे कि जनरली एक एग्जाम्पल लो कि जैसे मम्मी हो गई या एक पापा हो गया, ठीक है, दो लोगों की बात क्या होती है और उनके चाहे उनके जितने भी बच्चे हों 2-4-10 कितने भी बच्चे हों, ठीक है, सभी लोग उसकी बात को क्या करते हैं, उनकी बात को फॉलो करते हैं। तो ये क्या होता है नॉर्मली वाई स्ट्रक्चर होता है, जब दो लोग ऑर्डर देने वाले होते हैं और सभी लोग बात को फॉलो करने वाले होते हैं, तो ये हमारा हो गया वाई पैटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब देखो सबसे एक कठिन बोला जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाए, ये हर जगह पर दोस्तों मतलब अलग अलग जगहों पर इसमें क्या है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमको समझ में आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या बता दें, इनफॉर्मल बता दें, फॉर्मल बता दें, किसी बुक में कहीं पर कुछ लिखा होता है, कहीं पर कुछ लिखा होता है, बहुत कठिन बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें आपको सारी कंफ्यूजन सारे डाउट्स को क्लियर होने वाला है। ये थोड़ा सा मुझे स्ट्रक्चर बनाने में समय लगा और थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो भी है उसको हम लोग 3 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 3 बेसिस के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। अगर एक्सप्रेशन की बात किया जाए, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी बातों को
एक्सप्रेस करके बताओ, कि चाहे वो आप बोल करके बताओ, एक्सप्रेस करके थ्रू बताओ, उसी को क्या बोलते हो, एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके अंदर आपके दो नॉर्मली आते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। अब देखो वर्बल के अंदर क्या हो गया, आपके अलग अलग कम्युनिकेशन हो गया, जैसे आपका ओरल आ गया, रिटन आ गया, लिसनिंग आ गया। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन, बोल करके बताना, लिख करके बताना, या फिर सुनना किसी की बातों को, ये हमारा क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन में आ गया। ठीक है, वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके अंदर आपके बहुत सारे अलग अलग कम्युनिकेशन आ जाते हैं, जैसे कि आपका निजिक्स हो गया। निजिक्स का मतलब कि आपके जो भी चेहरे के हाव भाव हो गए, आप अपनी खोपड़ी खुला जाते हो, जैसे आपसे आपकी मम्मी ने पूछा कि आपको खाना खाओगे कि नहीं, तो आपने सर हिला दिया, हाँ खाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपने कुछ बोला नहीं, बट आपने अपने केवल इशारों के थ्रू उनको बता दिया, ठीक, वो हमारा क्या हो गया, निजिक्स हो गया। हमारा पोस्चर मतलब कि कोई आदमी किस तरीके से बैठा है, किस अंदाज में बैठा है, कैसे बात करके चल रहा है, मतलब किस तरीके से बैठा हुआ है, या फिर किस तरीके से कौन से पोस्चर में खड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ों को हम देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि वो आदमी कहाँ पर और किस जगह पर स्टेटस, मतलब उसकी स्टेटस क्या है। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी एक मैनेजर होगा तो वो हमेशा आराम से बैठेगा, वहीं पर कोई स्टूडेंट होगा तो वो थोड़ा सा हमेशा फ्लेक्सिबल, यानी कि एक तरीके से लचीले वे में बैठेगा। ठीक है, वहीं पर पैरा लैंग्वेज की बात करें तो पैरा लैंग्वेज का होता है जैसे टोन ऑफ वॉइस, जैसे अगर मुझे कोई भी बात बतानी होगी तो कभी मैं अपनी पिच को क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा हाई लेकर के जाऊँगा, हैं, और कहीं पर हमको क्या करना हो, लो, तो धीरे धीरे इस तरीके से बोलूँ। ठीक है, कहीं पर तेज की जरूरत हो तो तेज इस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे प्रोफेशनल्स जो भी होते हैं, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पैरा लैंग्वेज धीरे धीरे बोलने लगते हैं, या फिर एकदम से तेज बोलते हैं। तो वही हमारा क्या हो गया कि पैरा लैंग्वेज हो गया। फिर प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि ये भी हमारा, मतलब सारी जो भी चीज़ें एक्सप्रेशंस होते हैं, हाव भाव होते हैं, ये भी हमारा प्रॉक्सिमिक्स उसी से रिलेटेड होता है। और आई कांटेक्ट का मतलब आप समझ लो कि जैसे आई कांटेक्ट का मतलब कि क्या है कि ये भी हम आई कांटेक्ट के थ्रू भी बात कर सकते हैं, किसी से आंखों से इशारों में बात करना, ये क्या होता है नॉर्मली, जब भी कभी दो लड़का लड़की बात करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, आई कांटेक्ट ज़्यादा होता है। तो उस तरीके से आप समझ लो कि ये क्या होता है, ये कुछ एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब यही होता है कि आपको जैसे किसी के आदमी के चलने का तरीका और खड़े होने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, बात, मतलब किसी भी तरीके की बातचीत करने का तरीका, हंसने का तरीका, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। वहीं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन की बात किया जाए तो डायरेक्शन के बेसिस पे हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है तीन तरीके का होता है, कौन कौन सा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगनल। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगनल। ठीक है, वर्टिकल की बात किया जाए तो उसमें क्या है, वर्टिकल मतलब कैसा होता है, एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है, अगर देखो इसके अंदर आपके दो आते हैं, या तो आपका डाउनवर्ड होता है या तो आपका क्या होता है, अपवर्ड होता है, इस तरीके से। तो डाउनवर्ड में बात किया जाए तो जैसे कि कोई भी मैनेजर होता है, जब भी अपने जो भी ऑर्डर होता है अपने एम्प्लॉयज़ को देता है तो वो डाउनवर्ड हो गया। बट वहीं पर जब भी एक छोटे से एम्प्लॉय को वो अब किसी मैनेजर तक अपनी बात को बताना होता है, जैसे नॉर्मली छुट्टी को पास करवाना है या फिर कुछ भी और भी कोई बड़ा इशू है तो अपने मैनेजर से डिस्कस करना, ठीक है, जब जितने ही ऊपर वो जाता जाएगा, यानी कि वो क्या हो गया, अपवर्ड, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जैसे जब भी दो मैनेजर आपस में बात करते हैं सेम लेवल के, इसी को क्या बोलते हैं, हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। वहीं डायगनल का क्या मतलब होता है दोस्तों, डायगनल का मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे हो गया, जैसे कि मैं एक सपोज कि कोई भी एक मैनेजर है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के साथ में क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायगनल, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय जो है वो किसी दूसरे मैनेजर के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, ये क्या हो गया, हमारा डायगनल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायगनल का टाइप। उसके बाद में देखो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, है ना, रिलेशन के बेसिस पे या ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि उसमें रिलेशन में एक हमारा होता है कि फॉर्मल, कौन से हम रिलेशन में किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो एक हो गया हमारा फॉर्मल और दूसरा हो गया इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का हम लोग ग्रेप वाइन के नाम से भी जानते हैं, ग्रेप वाइन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि कोई भी आदमी कैसे भी बोल सकता है किसी भी तरीके, मतलब इनफॉर्मल, अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड फैमिली के बीच में हम लोग कैसे भी बोलते हैं, उसमें कोई हम खास बातों का ध्यान नहीं रखते कि हमको कैसे उठना है, वहीं पर जब मान लो हमको इंटरव्यू देने के लिए जाना है, ठीक है, या फिर अपने किसी बॉस से बात करनी है कुछ भी, तो उसमें क्या होता है हम फॉर्मल बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ये आइए सर, नहीं आइए, मतलब बैठने उठने का भी ध्यान रखते हैं, तो थोड़ा सा अपनी बातों में, अपने जो भी बॉडी लैंग्वेज में भी अपना थोड़ा हमको ध्यान रखना होता है और अपनी शब्दों पर भी कंट्रोल करना होता है, तो इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल बोलते हैं। अब देखो अगेन फॉर्मल जो भी होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगनल, जिसको अभी हम लोग यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्मल जो भी है
यही है उसके टाइप्स में लिखा जाए। वहीं पर इनफॉर्मल या फिर ग्रेप वाइन के अंदर आपके अलग अलग हो गए, जैसे कि सिंगल स्टैंड। सिंगल स्टैंड का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टैंड का मतलब कि जैसे कोई भी आदमी है वो क्या कर रहा है कि एक किसी खास आदमी से बात कर रहा है ना। मान लो दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, वहीं पर तीसरा अगर आ जाए तो ये जिससे बात कर रहा है, मान लो एक आदमी है अगर इससे बात कर रहा है तो वो इस आदमी से बात करना छोड़ करके उस दूसरे आदमी से बात करने लगे या फिर उसको उसके पास में चला जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं? सिंगल स्टैंड। वहीं गॉसिप चैन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी के पीछे से बहुत लोगों की गॉसिप करते हैं ना आपस में, अरे एक दूसरे की बुराई करते हैं या फिर पीछे से पीठ पीछे ना इस तरीके से बातें करते हैं इनफॉर्मल वे में, उसी को क्या बोलते हैं? गॉसिप चैन बोलते हैं। क्लस्टर चैन, वही क्लस्टर चैन क्या होती है दोस्तों? क्लस्टर चैन में क्या होता है कि जब दो चार लोग बैठे होते तो एक दूसरे से किसी भी शुभ बात करने लगते, कोई किसी से बात करने लगता, इसको हम क्लस्टर चैन बोलते हैं। एक इसके अलावा एक और भी हमारा होता है, दैट इज़ पॉसिबिलिटी चैन। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी चैन में क्या होता है कि कोई भी हम चीज़ों को पॉसिबल, जो भी जैसे कोई भी सपोज कि हमारे पास में कोई भी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि मान लो कि कोई भी पॉसिबिलिटी आज बारिश होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसको हमको पता नहीं कि होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन हमको क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से पॉसिबल चीज़ों का अंदाज़ा लगा रहे हैं और एक जगह से उसी बात को क्या कर रहे हैं दूसरी जगह से, अरे आज बारिश होगी तो दूसरा भी क्या करता है उस जगह से दूसरे व्यक्ति को जा रहा है बताने। ठीक है, उसी को हम लोग पॉसिबल चैन बोलते हैं कि मतलब कि हमको प्रेडिक्टेड, हमको पता नहीं कि इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं कि वो होगा भी या फिर नहीं होगा, एग्जैक्ट हमको नॉलेज नहीं है, बट एक दूसरे को सब क्या करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एक दूसरे के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आसपास हमारी फैल रही होती है ना, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे फालतू बातों का फैलना, तो वही हो गया हमारा जो पॉसिबिलिटी चैन। ठीक है, वहीं क्लस्टर चैन में क्या होता है, जैसे कि सपोज कि एक क्लास टीचर है वो अपने ग्रुप के बच्चों को, अपने क्लास के बच्चों के साथ ही कोई भी बात को, इन्फॉर्मेशन को या फिर कोई भी तरीके के एजुकेशन को दे रहा है, ट्रेनिंग को दे रहा है। अब वो बच्चा क्या करता है, दूसरी जगह पर से दूसरे ग्रुप को जाकर के बता देता है, किसी कोई भी एक बच्चा क्या करता है दूसरे ग्रुप को बता देता है, दूसरे क्लासरूम में जाकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन को बता देता है, वही हमारा क्या हो गया, क्लस्टर चैन हो गया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था बट सारी चीज़ों को आप अच्छे से देखो, इसका डिटेल में मैंने अलग से भी वीडियो बना करके रखा हुआ है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो जाकर के। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अभी हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं क्राइसिस ऑफ कम्युनिकेशन। क्राइसिस मतलब कि आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्राइसिस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब भी कोई क्राइसिस आता है। क्राइसिस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई भी आपदा आ गई, मुसीबत आ गई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइसिस ऑफ कम्युनिकेशन। अब अलग अलग तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपको काम करना होता है तो आप उस समय क्या करते हो, आपके कई बार ऐसी चीज़ों को आपको बहुत ही केयरफुल रहना होता है कि आप कोई कुछ ऐसा ना बोल दो जिससे कि कोई भी क्राइसिस होने लगे, क्योंकि जो मीडिया होती है मीडिया को बात फैलाने में देर नहीं लगती कि जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कोई भी सेलिब्रिटी है अच्छा खासा है, वो उसका अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ, बट जो भी मीडिया होती है वो उसको क्या कर दी, एकदम से नीचे गिरा दे, उसने ऐसा बोल दिया ऐसा बोल दिया, तो मीडिया के थ्रू जो भी होता है सारा जो भी खेल हो क्या होता है उस आदमी का बिगड़ जाता है। तो इस वजह से क्राइसिस तभी होता है जब भी कोई कंपनी की इमेज डाउन हो जाती है या फिर उसकी रेपुटेशन गिरने लगती है। जैसे कि अगर एक बात किया जाए तो अभी देखो डोमिनोज में क्या हुआ था, डोमिनोज का वायरल वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। डोमिनोज में क्या हुआ था कि एक आदमी था वो लोग अनसैनिटरी वीडियो का, यहाँ पर जैसे एक लिखा होगा कि डोमिनोज का वायरल अनसैनिटरी स्टाफ वीडियो है, या इसमें आप एग्जांपल में लिख दे सकते हो, आप देखोगे अगर इतनी टैगलाइन को डालोगे जाकर के डोमिनोज का अनसैनिटरी स्टाफ वीडियो, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। एक आदमी होता है वो क्या करता है कि वो पिज्ज़ा को क्या करता है सूंघ करके अपने बॉक्स में पैक करता रहता है, तो वो उस वीडियो को देख करके जो भी लोगों के बीच में क्या था एक तरीके से ऐसी अफवाह फैल गई कि यहाँ पर डोमिनोज में तो इस तरीके से उसके ऊपर क्या करता है पिज्ज़ा के ऊपर वो छींक देता है और इस तरीके से वो पैक भी करता है और खुश हो रहा होता है और उसके साथ में एक लड़की भी होती है। तो वो वीडियो के हिसाब से आप एग्जाम्पल में दे सकते हो कि उससे क्या हुआ, वो वीडियो वायरल हो गया। अब वायरल होने के बाद में जो भी वहाँ के जो भी कस्टमर है डोमिनोज के, वो क्या होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे, वो लोग पिज्ज़ा को खाने के लिए क्या लगे, कम करने लगे, और इससे जो भी एक पर्टिकुलर कंपनी थी उसको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ, यानी कि उसकी इमेज पर, उसके रेपुटेशन पे एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा, यानी प्रभाव पड़ा। इसी को क्या बोलते हैं क्राइसिस, यानी कि क्राइसिस। अब वो जो कंपनी थी डोमिनोज वो किस में आ गई, मुसीबत में आ गई। इसी वजह से देखो जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि जो सर्विस प्रोवाइड करती है हमको, जैसे खाने से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, होटल्स में जाओगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बात किया जाएगा ऐसा, क्योंकि अगर आप नहीं वहां पर से अच्छे तरीके से बात किया जाएगा तो फिर आप दोबारा
ज़्यादा जाओगे भी नहीं और दूसरों को और मतलब अवेयर करोगे कि उस होटल में तो मत जाना, उसमें ऐसा होता है ना, उसमें सही तरीके से बात नहीं होती, उसमें खाना अच्छा नहीं मिलता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो क्राइसिस ऑफ कम्युनिकेशन यही रिप्रेजेंट करता है कि जब भी क्या है कि इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट इट्स रेपुटेशन, मतलब कि जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रेपुटेशन होती है वो गिरने लगती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जब जो भी जिस भी तरीके से एक कंपनी जो भी होती है वो सारी जिस भी तरीके से कम्युनिकेट करती है उस क्राइसिस को डील करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी अपनी रेपुटेशन को दोबारा गेन करने के लिए, ठीक है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, क्राइसिस ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे डोमिनोज के साथ में ऐसा हुआ, अब देखो उसके ऊपर क्या हुआ, क्राइसिस आ गया। अब क्राइसिस आने के बाद में क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने जो भी डोमिनोज था उन लोगों ने क्या किया, हाँ मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और वो सारी चीज़ों को, उस वजह से उसका क्या हुआ, रेपुटेशन जैसे पहले था मार्केट में और उसी तरीके से उसके फिर से रेपुटेशन वैसे ही आ गया। व्हेन क्राइसिस और बिजनेस डिसरप्ट स्ट्राइक, ठीक है, तो वहाँ पर जब भी स्ट्राइक हो जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं। और जब ये सारी चीज़ों को डील किया जाता है जिस भी तरीके से कम्युनिकेशन के थ्रू, इसी को क्या बोलते हैं, क्राइसिस ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें डोमिनोज का आप एग्जांपल लिख सकते हो। अब इसके तीन फेसेस होते हैं, तीन फेसेस में जैसे प्री क्राइसिस होता है, प्री क्राइसिस में क्या कर सकते हो, जैसे कि सपोज कि आप कुछ पहले से आप चीज़ों को ट्रेंड कर सकते हो, लोगों को ट्रेंड करके देख सकते हो। जैसे आपने सिक्योरिटी की जगह आपने देखो सीसीटीवी कैमरा लगा करके रखा हुआ है, या फिर आपने देखो क्या है, पहले से उनको सेफ्टी की या फिर टेस्टिंग की और ट्रेनिंग की सारी चीज़ों की आपने ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके रखी हुई है, ठीक है। अगर मान लो कि उस आदमी को पहले से ही सेफ्टी से रिलेटेड या ट्रेनिंग पहले से अच्छी तरीके से दी जाती तो वो आदमी ऐसा करता ही नहीं, है ना। तो वो गया हमारा प्री क्राइसिस, मतलब कि क्राइसिस से बचने के लिए हमें क्या करते हैं, प्री क्राइसिस करते हैं। लेकिन उसके बाद में भी अगर क्राइसिस आ जाती तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि क्राइसिस की स्टेज, मतलब उस केस में आप क्या करोगे, जब आपके सामने मान लो विपदा या मुसीबत आ गई है तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उसमें आपको क्या करना रहता है, उसमें आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना रहता है। ऐसा नहीं कि चुपचाप किसी कोने में जाकर के बैठ गए, एक्शन प्लान्स लेने होते हैं और जो भी है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने रहते हैं तुरंत एक्शन प्लान के साथ में। कि जब अब मान लो कि उस अगर जो भी है डोमिनोज ने अगर अपनी गलती को ना एक्सेप्ट किया होता, वो ना सामने से कम्युनिकेट किया होता, तो अभी भी उसकी मार्केट में रेपुटेशन जो होती है वो क्या होती, एकदम लो होती, ठीक है। अब देखो उसके बाद में पोस्ट क्राइसिस, पोस्ट क्राइसिस के बाद में अब जब मान लो क्राइसिस खत्म होगी, उसने पहले से जैसे ही अपनी रेपुटेशन को गेन कर लिया, तो अब वो हमेशा क्या करेगा, इस चीज़ के बारे में अवेयर रहेगा कि आप फिर से ऐसा केस ना हो जाए, फिर से ऐसी चीज ना हो जाए। तो वो क्या करेगा, अपनी जो भी कैपेबिलिटीज उसको क्या करेगा, और अपग्रेड करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, रिव्यू बार बार चीज़ों को चेक करता रहेगा और री स्टोर, यानी कि जो भी पहले की जैसे उसकी सिचुएशन थी मार्केट के अंदर, वैसी उस सिचुएशन को फिर से वो री स्टोर करके रखेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइसिस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो जाकर के। अब देखो यहाँ पर बात आती है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन या फिर 7 C's, बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से। आपके 7 C में आपका सबसे पहला आता है आपकी क्लियरिटी, यानी कि आपकी बातों में क्लियरिटी होनी चाहिए। दूसरा आपका आता है करेक्टनेस, आपकी बातों में क्या होना चाहिए, आपकी जो भी लिखते हो रिटन कम्युनिकेशन करते हो वो आपकी करेक्ट हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी लिख दिया, है ना, उससे क्या होता है लोगों का ट्रस्ट जो होता है वो आप पर से क्या होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस चीज़ के बारे में आप अवेयर रहो कि आप जो भी बोल रहे हो जो भी लिख रहे हो वो सही होना चाहिए, ठीक है, आपकी एकदम करेक्ट और एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए। फिर आगे देखो कंप्लीटनेस, आपकी जो बातें होनी चाहिए या फिर लिख करके बताओ बोल करके बताओ उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कंसाइजनेस, कम शब्दों में आपको अपनी बात को रखना आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर में क्या है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि सामने वाला आपसे क्या सुनना चाह रहा है, यानी कि उसको ऑडियंस को अपनी एम्पथाइज करो, ठीक है। अगर मैं दूसरों को नहीं एम्पथाइज करूंगा तो मैं अपने मेरी वीडियो को कोई देखेगा ही, है ना। तो ये क्या, अपनी ऑडियंस को एम्पथाइज करना। फिल्म इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, अब वो जानते हैं अगर वो चाहें तो बहुत ही हाई फाई और बहुत ही अच्छे से वीडियोस को जो भी फिल्म को वो बनाए, बट वो सिंपल वीडियोस को क्यों बनाते हैं, सिंपल फिल्म्स को क्यों बनाते हैं, ताकि उनको पता है कि जो भी ऑडियंस है उसकी वो क्या है, सिंपल है। ज़्यादातर लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, गाँव से हैं, ठीक है। तो उसी भाषा में कुछ लोग क्या करते हैं, फिल्म्स को बनाते हैं, वो क्या होती हैं, फिल्में हिट भी हो जाती हैं, तो है ना। और जो ज़्यादा हाई फाई फिल्में होती हैं वो क्या होती हैं, वो ऐसे ही रखी रह जाती हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं या तो कंसीडरेशन, मतलब अपनी ऑडियंस को क्या करना, कंसीडर करना, उसको एम्पथाइज करना। सिक्स नंबर में आ गया आपका करेक्टनेस, यानी कि आपकी जो भी बातें होनी चाहिए उसमें क्या होनी चाहिए, सॉरी कंक्रीटनेस होनी चाहिए। कंक्रीटनेस का मतलब कि आपके जैसे कि जो भी आप विविड डिस्क्रिप्शन दो अपनी बातों का, क्या हो, शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन भी दो और विविड, यानी कि पूरा सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन होना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई भी आदमी है वो किसी स्टूडेंट के बारे में बड़ाई करता है तो वो क्या बोलेगा कि ये आदमी बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, इसने
ऐसा ऐसा काम किया है, ये बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ, उसकी जगह पर अगर वो केवल एक लाइन पर बोल दे कि इस बच्चे के 78% मार्क्स आए हैं लास्ट ईयर, है ना, तो इससे क्या होगा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी पता चल गई कि अच्छा 78% मार्क्स भी आए, यानी कि वो बच्चा अच्छा भी है पढ़ने में, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते, विविड डिस्क्रिप्शन, मतलब कि डिस्क्रिप्शन भी पूरा होगा, कम शब्द भी लगे, इसी को बोलते हैं कंक्रीटनेस। उसके बाद में सेवन्थ नंबर पे देखो कर्टसी, कर्टसी का मतलब होता है कि फ्रेंडली एटीट्यूड, अपना जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए वो सबके साथ में फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि सबसे आप हंस करके बात करो, किसी से ये नहीं कि टेढ़ा मुंह बना करके बात करो, किसी के सामने बात ही नहीं करो, ये हो गया आपका फ्रेंडली एटीट्यूड। एंड डू नॉट यूज़ इंसर्टिंग, किसी के साथ में इंसर्ट उसको मत करो, उसको हार्मफुल वर्ड्स को ना पहुंचाओ, यही क्या होता है हमारा कर्टसी, ठीक है। तो ये सेवन सीज होते हैं, इनको अच्छे से आप ध्यान रख लेना, क्लियर कर लेना, ठीक है। इसके बाद में देखो बैरियर्स कम्युनिकेशन के आते हैं, तो बैरियर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखो जो भी बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके लिंग्विस्टिक बैरियर हो गए, अब मान लो कि कोई भाषा है तो किसी भाषा में नहीं समझ में आती, जैसे मान लो कि अंग्रेज है तो उनको हमारी भाषा अच्छे से नहीं समझ में आएगी, है ना, या फिर अगर मैं हिंदी इंग्लिश में डिलीवर करूँ अपने लेक्चर्स को तो बहुत सारे लोग हैं वो उसको नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब कि उनके दिमाग से रिलेटेड, कि नहीं, जैसे कि कोई कोई क्या होता है कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनके अंदर क्या होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, कि नहीं उसकी बात को नहीं सुनना, उसकी बात को नहीं मानना है, है ना, या फिर उसकी बात को मानना है, तो ये क्या होगा हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद इमोशनल, किसी के साथ में हम कितना इमोशनली टच हैं, तो ये हमारा क्या होगा इमोशनल बैरियर का मतलब, जैसे हमारा आ गया कि जब भी हम किसी के इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, मतलब सामने वाले का इमोशन किस तरीके का, इसी को हम क्या बोलते हैं इमोशनल बैरियर। उसके बाद में फिजिकल बैरियर के, जैसे आपके टेक्निकल बैरियर्स आ गए हैं ना उसके, इस तरीके के, जैसे मान लो टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ पर फिजिकल बैरियर के अंदर आपका टेक्निकल बैरियर भी आ जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी में कोई भी दिक्कत आ गई, बाधा उत्पन्न होगी, आपका इंटरनेट नहीं काम कर रहा, ये सब क्या हो गया हमारा टेक्निकल बैरियर हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में कई एक बैरियर्स होते हैं, जैसे लोगों के बीच में बनती नहीं है, लड़ाई हो जाती है स्टाफ के बीच में, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशनल के अलग अलग बैरियर्स होते हैं, है ना। पर्सनल बैरियर, उसमें जैसे आपका एटीट्यूड, किसी का एटीट्यूड अलग होता है, उसका मोटिवेशन अलग होता है, वो कौन सी चीज़ों से डरता है, ईगो करता है, किसी के पास में ईगो बहुत ज़्यादा है तो फिर वो बात नहीं करता, किसी के पास में इमोशंस हैं, तो ये पर्सनल बैरियर्स हो गए, यानी कि इन चीज़ों की वजह से भी जो भी बैरियर होता है कम्युनिकेशन में उत्पन्न होता है, तो ये सारे पर्सनल बैरियर्स हो गए। उसके बाद कल्चर से रिलेटेड बैरियर बोला जाए तो कल्चर से रिलेटेड अलग अलग लोग कल्चर से रिलेटेड है, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, तो उसमें ही कहीं लोग लड़ने लगते हैं और आपस में बातचीतों को नहीं करते, तो वहाँ पर ये क्या हो गया कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरीके से जब भी हम इस केसेस में हम क्या करते हैं, हमारी जो भी कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है या फिर हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं करते हैं फ्लुएंटली, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अब इसकी जो भी स्ट्रेटजीज अलग अलग हैं आप उसको लिख सकते हो, जैसे कि उसके साथ में आप क्या क्या डील कर सकते हो, उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ों को डील कर सकते हो, जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए तो कि आप दूसरों की बातों को क्या करो, लिसन एक्टिवली, दूसरों की बातों को एक्टिवली लिसन करो, यूज़ पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ नेगेटिव लैंग्वेज, यानी कि ये अपनी लैंग्वेज को हमेशा पॉजिटिव बना करके रखो, एम्पथाइज अपनी ऑडियंस को एम्पथाइज करो, ठीक है, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यानी कि अपनी जो भी है अपनी लैंग्वेज को अच्छा सा बना करके रखो, है ना, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को जो भी आपका चैनल है उसको सिलेक्ट करो, हो गया, और आपका टेक्निकल इशूज़ को चेक कर लो, जैसे माइक में आप बोलने जा रहे हो तो माइक के जो भी इशूज़ हैं उनको चेक कर लो कि कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है, पीपीटी वगैरह को देख लो, सारी चीज़ों को, अब मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो क्या है सारी चीज़ें टेक्निकल सारी चीज़ों को देखता हूँ कि माइक काम कर रहा है कि नहीं, मेरी पीपीटी सही तरीके से व्यवस्थित है कि नहीं, एक के बाद एक क्या आएगा, है ना। तो डू नॉट बी बायस और किसी एक की तरफ पक्षपात ना करो, तो इससे सबसे क्या होता है आप बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से बच पाते हो। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में तो उसके बचने के उपाय बताओ, तो ये सब बता भी सकते हो कि लिसन एक्टिवली, यूज प्रॉपर एंड जो भी है एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, एम्पथाइज योर ऑडियंस, यूज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज हो गया, है ना, सिलेक्शन ऑफ इफेक्टिव चैनल हो गया, है ना, टेक्निकल इश्यूज़ को चेक कर लो, डू नॉट बी बायस, इस तरीके से आप क्या करो सारी ह्यूमर भी आपकी बातों में होना चाहिए, कहीं एनेक्डोट भी होना चाहिए, तो इस तरीके से अपनी सारी बातों को आप जस्टिफाई कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ों का आप यूज़ करके इन बैरियर्स को कम कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है, इस तरीके से हमारा यूनिट फर्स्ट, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, यूनिट फर्स्ट आपका खत्म हो चुका है। यूनिट सेकेंड में आता है दोस्तों हमारा ओरल कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। सबसे पहले आता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जैसे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में जब हम किसी के साथ में आपस में फेस टू फेस बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली ओरल ही बात करते हैं, उसमें हम उस समय तो फोन कॉल्स करेंगे नहीं। तो व्हेन कम्युनिकेशन इज डन बाय वर्ड्स, मतलब कि वर्ड्स के थ्रू बात हो, स्पोकन इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्ड्स यानी कि शब्दों से बात किया जाए, केवल मतलब बोल करके बात किया जाए, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं, या इसको ही हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट इंक्लूड्स साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच, यानी कि अगर हमको बोल करके ओरल कम्युनिकेशन करना होता है तो हमको साउंड की जरूरत होती है, आवाज़ की जरूरत होती है, ठीक है, वर्ड्स की जरूरत होती है, शब्दों की जरूरत होती है। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, है ना, अब मैथ्स में तो बात किया नहीं जाएगा, या अलग अलग तरीके की भाषाएँ होती हैं जो भी होती है, जैसे बांग्ला हो गया, है ना, और भी तमिल, पंजाबी, जो भी होगी आपकी, है ना, स्पीचेस होगी आपका, स्पीचेस में यानी कि स्पीच, ये सारे चार आपके मेजर चीज़ें हैं जिसको आपकी ओरल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होना पड़ता है। अगर ये चारों चीज़ें आपकी इंक्लूड हैं आपकी किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन में, तो आपका कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा, ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो कि मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन देखा जाए, जैसे कि इनफॉर्मल फेस टू फेस टॉक, दो चार लोग, दस लोग आपस में, दो फ्रेंड सर्कल्स में आए और इनफॉर्मल वे में बात करने लगे, ये क्या हो गया, फेस टू फेस टॉक हो गया। उसके बाद में इंटरव्यू, इंटरव्यू में भी क्या होता है, फेस टू फेस टॉक होती है, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन चेक किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन में भी देखा जाता है कि हमारा ओरल कम्युनिकेशन या फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं हम लोग, स्पीचेस देना हो, प्रेजेंटेशन करना हो, एजुकेशनल ट्रेनिंग्स देना हो, तो उसमें हम सब क्या करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं जाकर के। ठीक है, तो ये इस तरीके से टेलीकॉन्फ्रेंस में भी हम लोग क्या करते हैं, कई बार फेस टू फेस तो बात नहीं करते, मान लो हाँ वीडियो कॉल्स वगैरह होता है तो हम क्या करते हैं, वहां तब फेस टू फेस बात करते हैं, नहीं तो बातों में जैसे हम फोन कॉल्स में बात करते हैं तो उसमें भी हमारा क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एक टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ मीडिया, है ना, यहाँ पर मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब आगे देखो, बात करा जाए फेस टू फेस कम्युनिकेशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसका करेक्टरिस्टिक ये होता है कि इससे आप क्या कर सकते हो, बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हो अच्छी तरीके से। आप मान लो कि फेस टू फेस कोई आदमी बात कर रहा है तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हो, उसकी भावनाओं को अच्छे से समझ सकते हो, वो सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि आप उसको देख भी रहे हो, आप उसको सुन भी रहे हो। ठीक है, और फिर फास्टर कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आप किसी को सुन रहे हो तो वो क्या है कि फास्ट कर सकते हो, जबकि लिखने वाले कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप चीज़ों को लिखते हो फिर वो सामने वाला पढ़ता है, समझता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। फिर इसमें देखो, इसको इस तरीके के कम्युनिकेशन में कोई भी कॉस्ट भी नहीं लग रही है, और कॉस्ट के अलावा फिर नो पॉसिबल इफ़ द सेंडर और रिसीवर आर फ्रॉम फार फ्रॉम ईच अदर, और ये जो कम्युनिकेशन होता है फेस टू फेस वाला, ये तब उस केस में पॉसिबल नहीं होता जब हम एक दूसरे के से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और हम एक दूसरे से किसी भी तरीके से टेक्निकल तरीके से कनेक्ट नहीं हो सकते। मान लो कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हों, हमारे पास में टेक्निकल साधन ना हो, आपके पास में इंटरनेट ना हो, आपके पास में फ़ोन ना हो, तो हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो टू साइड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, जब इस जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें आपको टू साइड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के दो चीजों को बताना है, दैट इज एक होता है हमारा रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है हमारा एम्पैथी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे हम शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, वो क्या होता है हमारा रिफ्लेक्शन, हमारा हमको खुद ही बताता है। ठीक है, तो इसके इसमें क्या होता है, फीडबैक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके की क्वालिटी से क्या होता है कि वन कैन मेक अदर पर्सन मेक द अदर पर्सन फील की दैट ही और सी सिंसियरली लिसनिंग टू द स्पीकर। जब मेरे पास में कमेंट्स आते हैं तो मुझे समझ में आता है, अच्छा फील होता है ना, एक मोटिवेशन भी फील होता है, एक अच्छा भी फील होता है, अच्छा सामने वाला मेरी बात को समझा, तो उसने तभी तो मुझे फीडबैक दिया, उसने तभी तो मुझे बताया, तो इसके लिए मुझे आगे और भी वीडियोस को पोस्ट करने का मन करता है। तो यही क्या होता है रिफ्लेक्शन। अब मान लो कि आप कोई भी एक क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो या फिर कहीं क्लासरूम में बैठे हो, अगर मैम टीचर आपकी जो भी है कुछ पढ़ा रही तो आप उसको सर हिला करके या फिर नाम में जवाब दे रहे हो, तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन, यानी कि उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, है ना, उनको समझ में आ जाता है कि आपकी बातों से, आपकी मतलब कि आपके चेहरे के हाव भाव से, उनको एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो टू साइड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में ये एक सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद में क्या है, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि पुट योर सेल्फ इन टू द यूजर्स शू, मतलब कि अपने आप को दूसरे की जगह पर रख करके देखना। अब देखो, अगर मुझे नहीं पता होगा, मैं अगर आपको एम्पथाइज नहीं कर पाऊंगा कि मेरी ऑडियंस मुझसे क्या सुनना चाह रही है, अगर मान लो कि मैं कोई ऐसी मान लो इंग्लिश में बात करने लगूँ, ऐसी चीज़ों के बारे में बताने लगूँ, या फिर अगर डायरेक्ट डायरेक्ट ना बात करूँ, बहुत घुमा फिरा करके चीज़ों को ऊपर आऊँ, तो आप क्या करोगे, उसमें इरिटेट हो गया ना, तो उसमें क्या, मुझे आपके बारे में पता है, मुझे
पता है कि लोगों को शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद होता है, मतलब कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, तो उसी तरीके की मैं भी चीज़ों को बनाने की कोशिश करता हूँ, उसी तरीके से एम्पथाइज करके ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वहीं टीचर्स के साथ में भी ऐसा होता है, उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ें कौन सा टॉपिक बच्चों को समझ में आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो वो क्या करते हैं एम्पथाइज करते हैं, यानी कि कैपेबिलिटी ऑफ सीइंग द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर्स, यानी कि दूसरों की तरीके से दूसरों की चीज़ों को देखना, यानी कि अपने ऊपर से नहीं सोचना कि हम क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को, ये देखो कि लोग क्या आपसे सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको ही एम्पैथाइज बोलते हैं, एम्पैथी बोलते हैं। एम्पैथी के दोस्तों कुछ एक टाइप्स होते हैं, आपका क्या होता है, सबसे पहले एक स्टेज आती है आपकी कोग्नेटिव इसमें देखो कोग्नेटिव में क्या होता है, इस तरीके की, जब भी एम्पैथी में क्या होता है कि जब भी कोई यूज़र होता है, तो जैसे कि मान लो कि एम्पैथाइज, जैसे कि मान लो आप सड़क में देखा आपने किसी भी कोई भी गरीब महिला है, मान लो किसको देखा आपने और देख करके अरे ये क्या है, यानी कि आपने उसको क्या किया, केवल अंडरस्टैंड किया आपने, केवल उसको एक तरीके से सहानुभूति दिखाई, सिंपैथी कर दी सीधी भाषा में बोले तो, है ना, उसके ऊपर कोई आपने एक्शन नहीं लिया। वहीं दूसरी स्टेज आती है हमारी कि इमोशनल एम्पैथी, उसके साथ में आप इमोशनली कनेक्ट भी हो गया, मान लो कि उसकी जगह पर अगर कोई आपका रिश्तेदार दिख गया, ठीक है, तो आप उसके साथ में क्या होगा, आप इमोशनली कनेक्ट भी होगी कि अरे तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा आप इमोशनली उसके साथ में कनेक्ट हो गए। वहीं पर अगर मान लो आपका घर परिवार वाला ही कोई गया कि वो मान लो कि किसी तरीके की मुसीबत में है, तो आप तुरंत जाते हो, तुरंत एक एक्शन लेते हो, टेकिंग एक्शन, एप्रोप्रिएट एक्शन, यानी कि आप उसके दुख में साथ में खुद भी दुखी होते हो और कोई ना कोई एक एक्शन लेते हो उसके दुख को दूर करने के लिए, उसके साथ में उसको डील करने के लिए, उसकी सिचुएशन को दूर करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन टू हेल्प अपार्ट फ्रॉम द जस्ट अंडरस्टैंडिंग अदर, मतलब दोस्तों को केवल समझना ही नहीं, उसके साथ में क्या करना, उसके लिए एक्शन भी लेना, ठीक है, यही आपका होगा कंपैशनेट एम्पैथी। तो तीन तरीके की एम्पैथी की स्टेज हो गई, कोग्नेटिव, इमोशनल एंड कंपैशनेट एम्पैथी, ठीक है। तो ये आपका हो गया टू साइड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखो इफेक्टिव लिसनिंग स्किल, केवल बातों को बताने ही नहीं इंपॉर्टेंट होता है, कई बार उसको क्या है लिसनिंग, मतलब कि केवल सुनना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सुनोगे नहीं एक्टिवली, सुनोगे मतलब कि इधर उधर बातों में दिमाग लगाओगे, तो फिर वो क्या होगा, आपकी जो भी बातें होंगी वो कई बार मींस इंटरप्ट हो जाएंगी, यानी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो चली जाएगी। क्लासरूम में ऐसे ही बैठो, केवल बैठो करके सुनोगे नहीं जा करके, तो फिर क्या होगा, आपकी जो भी सारी बातें होंगी दूर चली जाएंगी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी आप उसको नहीं ले पाओगे। तो लिसनिंग क्या होती है, इसको बहुत बड़ा आपको बताने की जरूरत नहीं, लिसनिंग जो होती है वो क्या होती है, की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि पूरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, एक तरीके से आप इसको बेस बोल सकते हो, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब सामने वाले आपकी बातों को इफेक्टिवली लिसन कर सकता है, ठीक है। तो विदाउट द एबिलिटी ऑफ लिसनिंग इफेक्टिवली, यानी कि मैसेज कैन इजिली मिस अंडरस्टूड, इस तरीके से अगर आप चीज़ों को सुनोगे नहीं सही तरीके से, तो आपके जो भी मैसेजेस होंगे वो क्या होंगे, मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे, लोग नहीं समझ पाएंगे। हिंट टू मेक लिसनिंग एक्टिव, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें जिससे आप इफेक्टिवली सुन सकते हो, कि आपको क्या करना रहेगा, स्टे फोकस्ड। अब मान लो क्लासरूम में आप बैठे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको फोकस्ड मतलब कि अपना फोकस बना करके रखना होगा। दूसरा क्या होगा, आई कॉन्टैक्ट, जो भी स्पीकर है उसके साथ में आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर बना करके रखो, जिससे कि उसको फील होगा कि अच्छा वो हमको सुन रहा है और वो अपनी पूरा आपका 100% दे पाएगा। फिर देन हमारा आता है कि डोंट इंटरप्ट, यानी कि उसको बार बार बीच में टोको नहीं कि नहीं नहीं आप सर गलत हैं, ये वो, जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, या फिर जहां पर भी आपको लगता हो कि मैं इससे एग्री नहीं करता, उन सारी चीज़ों को बाद में बताओ, ठीक है। डोंट आर्ग्यू, उसके साथ में आर्ग्यू भी नहीं करना है, तो ये लिसनिंग का ही एक पार्ट है। उसके बाद में डोंट इम्पोज योर ओपिनियंस और सॉल्यूशंस, केवल अगर आप लिसन कर रहे हो किसी भी आदमी को, तो बार बार अपनी ओपिनियंस को नहीं बताओ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी जगह ये होगा, अपने सॉल्यूशंस को नहीं बताओ। तो इस तरीके कुछ एक हिंट्स हैं जिससे आप इफेक्टिवली सुन सकते हो, और इन हिंट्स के थ्रू आप पूरी सारी बातों को, पूरी कहानियों को लिख सकते हो, ठीक है। तो मुझे इतना तो पता है कि आप ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो, ठीक है। आपको सारी चीज़ें हेडिंग्स वगैरह, आपको सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो सही से आनी चाहिए, ठीक है। अभी आगे देखो कि जो भी क्वेश्चंस होता है उसको आप पूछ सकते हो, उसके अलावा आप फीडबैक दे सकते हो, तभी आपका जो भी लिसनिंग होगी वो पूरी होगी। अब देखो इफेक्टिव राइटिंग की बात करें, तो इफेक्टिव राइटिंग क्या होती है दोस्तों, यानी कि लिखना अच्छा, अच्छी तरीके से लिखना, यानी कि गुड राइटिंग स्किल्स जो भी होती है आपको क्या करती हैं, अलाउ करती हैं टू कम्युनिकेट योर मैसेज विद क्लियरिटी एंड ईज, मतलब कि आपकी जो भी ईज से, मतलब आसानी से आप अपनी बातों को दूसरों के साथ में क्लियरिटी के साथ में रख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि हमारा बॉस है, हमको छुट्टी पास करवानी, तो हम धीरे से उसको लिखेंगे, सर मुझे घर में ये काम है, इस तरीके से अगर हमने अच्छी तरीके से उसको लिखा होगा, है ना, एक तरीके से पोलाइट टोन यूज़ करी होगी, या फिर अपनी बात को, समस्या को सही तरीके से बताया होगा, तो मेरा बॉस क्या करेगा, मुझे छुट्टी देने के लिए क्या होगा, तैयार हो जाएगा। वहीं पर अगर मुझे ऐसा बोल दूँ कि नहीं मुझे तो छुट्टी चाहिए, तो वो क्या होगा, उस केस में जो भी होगा
इफेक्टिवली राइटिंग नहीं हो, वहाँ पर इफेक्टिवली राइटिंग की वजह से क्या हो गया, सारा काम खेल खराब हो गया। ठीक है, तो इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस जो भी होते हैं, हम डिसीजंस लेते हैं, सजेशंस को देते हैं, एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, रिएक्शंस को शो करते हैं, व्यूज हो गए, व्यू डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म, है ना, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं लिखने के ही काम से होती हैं। जैसे कि अभी भी आप सोच लो कि मान लो आपको कोई घर खरीदना हो, जमीन खरीदना हो, तो कोई आपको बोल करके नहीं बताएगा, जब तक आपके पास में उसका कोई एक प्रूफ नहीं होगा, कागज नहीं होंगे, है ना। तो वही हो गया, अब मान लो कि आपके पास में कोई बाइक है, उसका इंश्योरेंस करवाना, तो सारी चीज़ें आपको लिख करके दी जाती हैं। तो यही हो गया हमारा लिखनिंग, यानी लिखने की इस एबिलिटी, यानी कि इफेक्टिव राइटिंग, इसी चीज़ को बोलते हैं। अब देखो हमारा इसके बाद में आता है सी इंटू सी राइटिंग प्रोसेस। सी इंटू सी राइटिंग प्रोसेस में क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सा प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपका देखो सी इंटू सी राइटिंग प्रोसेस में आपका तीन फेजेस बनते हैं, यानी कि अगर आप लिखना अच्छी तरीके से चाहते हो तो आपको तीन फेजेस से गुजरना होता है। दैट इज़ की प्री राइटिंग, पहले आपको लिख करके देखना होता है, ट्राई करना होता है, देन राइटिंग की स्टेज होती है, आप फिर लिख करके देखते हो। यानी कि यहाँ पर प्री राइटिंग में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के साथ में आपको चीज़ों को समझना है और उसके बेसिस पे अपनी राइटिंग यानी कि एक रफ़ राइटिंग तैयार करनी होती है। और रफ़ राइटिंग को क्या है, उसको रिवाइजिंग, यानी कि अगर आप उसको एक फॉर्मल लुक देना चाहते हो, फॉर्मल टेस्ट देना चाहते हो, उसको रिवाइज करो, उसमें जो इतने भी एरर्स हो, कॉमन ग्रामेटिकल वगैरह की एरर्स को, उसको सारी चीज़ों को दूर करो। अब इसके भी कुछ अलग अलग सब पार्ट्स हो गया, जैसे प्री राइटिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप एनालाइज करो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लिखने का। उसके बाद एंटीसिपेटिंग, एंटीसिपेटिंग में आप क्या चीज़ बताओगे कि जैसे कि आप सारी चीज़ों को कि इस चीज़ में आप चीज बताओगे एंटीसिपेट में कि आपका जो भी यूजर जो भी आपको सुनने वाला है वो आपकी आपकी टॉपिक से किस कितना अवेयर है। मान लो लेट सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपने सोचा कि मैं किसी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर लिखूंगा जिसको कोई नहीं जानता, मान लो कि सेक्स के ऊपर आप लिखना चाहते हो कि या फिर सेक्स के ऊपर आप कुछ बताना चाहते हो, तो कई लोग होंगे उसमें आपको क्या करेंगे, आपको अच्छा भी मतलब बताएंगे कि आपके बारे में, कुछ लोगों का रिएक्शन क्या होगा पॉजिटिव होगा, कुछ लोगों का रिएक्शन जो होगा वो न्यूट्रल होगा, और कुछ लोग उसमें निगेटिव कॉमेंट्स भी करेंगे, है ना। तो ये आपका हो गया एंटीसिपेट, यानी कि आप अपनी ऑडियंस को एम्पथाइज करो कि वो उनका रिएक्शन किस तरीके का होगा। ठीक है, वो आपसे वो आपकी जो भी जिस भी टॉपिक को आप डिलीवर करना चाहते हो वो उससे कितना फैमिलियर है, अगर वो उससे ज़्यादा फैमिलियर होंगे ठीक है तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, अगर कोई नया टॉपिक होगा तो उसको समझाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस केस में। उसके बाद में अडैप्टिंग, अडैप्टिंग की केस क्या होती है दोस्तों, अडैप्टिंग में यानी कि आपको अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का भी यूज़ करना रहता है, जो भी वोकैबुलरीज हैं वोकैब्स वगैरह का अच्छी तरीके से यूज़ करना रहता है, सही तरीके से जिसमें लैंग्वेज भी सही हो, समझने लायक हो, सभी लोग उसको आसानी से समझ सकें, तो अडैप्टिंग में इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करना रहता है। अब रिसर्च, यानी रिसर्च में हमें क्या हो गया, आपको बहुत सारे इधर बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करना रहता है रिसर्च कर करके। उसके बाद में ऑर्गेनाइज, सारी चीज़ों जो भी आपने डेटा को कलेक्ट किया उसको ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करो। उसके बाद में उसको फिर क्या करो, कंपोज कर दो। कंपोज करने का मतलब कि उसको एक रफ राइटिंग, उसको रफ तरीके से उसको कंपोज करो सारी चीज़ों को। उसके बाद में फिर यहाँ पर रिवाइजिंग फेज में आप क्या करोगे, सारी चीज़ों को रिवाइज करोगे, देखोगे कहाँ पर आपने कौन सी गलती करी कंपोज किए गए पूरे मैटर को। उसके बाद में प्रूफ रीड, प्रूफ रीड में आप क्या करोगे, एक बार फिर से अच्छी तरीके से देखोगे और सारी चीज़ों को जहाँ पर भी करेक्शन की जरूरत होगी उस सारी चीज़ों को देखोगे, करेक्ट करोगे। और प्रूफ रीड के अंदर क्या होगा, आप किसी से अपने एक्सपर्ट्स वगैरह से दिखा सकते हो कि अपने टीचर को दिखाओगे, देखिए सर सही लिखा हुआ है कि नहीं, कहाँ पर से क्या दिक्कत आ रही, ठीक है। और उसको इवेलुएट करो, यानी कि जो भी जिस भी पर्पज से आपने उसको बनाया हो, जिस भी पर्पज से उसको आपने लिखा होगा, तो उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही कि नहीं पूरी हो रही है, ठीक है। तो इवेलुएट यानी कि इवेलुएट करना कि आपकी आपने जिस पर्पज से उसको लिखा है राइटिंग को, वो आपका मकसद, वो आपका देश पूरा हुआ, ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ बताना, तो ये आपका सी इंटू सी राइटिंग प्रोसेस है। स्टेजेस को अच्छे तरीके से ध्यान रखना और इसके साथ में इसके सब पार्ट्स जो भी अच्छे तरीके से ध्यान रखना और सारी चीज़ों को सही से बताना। इसी के साथ में आपका यूनिट सेकंड भी खत्म होता है। अब देखो थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में हमारा क्या होता है, हमारा सबसे पहले आता है कि जो थर्ड यूनिट का हमारा जो भी टॉपिक है वो क्या है कि बिजनेस लेटर्स एंड रिपोर्ट्स, यानी बिजनेस लेटर्स और रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताना। तो इफेक्टिव बिजनेस लेटर, इफेक्टिव बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, इफेक्टिव बिजनेस लेटर के अंदर आपका क्या आता है, रिटन कम्युनिकेशन आता है, यानी कि जो भी लेटर्स वगैरह लिखे होते हैं वो किसमें लिखे जाते हैं, आपको रिटन कम्युनिकेशन में आता है ना। तो रिटन कोई भी लेटर आप लिखोगे, लिख करके ही बताओगे, ठीक है। उसके बाद में कंटेंस इन्फॉर्मेशन और मैसेज सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर, यानी कि बिजनेस लेटर में क्या होता है कि ये एक रिटन कम्युनिकेशन होता है और इसके साथ में एक पार्टी से एक जगह से दूसरी जगह तक हमको कोई भी चीज़ पहुंचाना होता है, कोई भी अपनी बात को बताना होता है, तो वो क्या होता है, हम लेटर के थ्रू बताते हैं, ठीक है। हम फॉर्मल वे में
फॉर्मल चीज़ों को डील करने के लिए लेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो कि हेल्प्स इन अचीविंग डेफिनेट पर्पज, जैसे कि हमको कोई भी अपना प्रोडक्ट को सेल करना हो, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमारा लेटर्स को लिखते हैं। इसके अलावा मेकिंग एन इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को सीक करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना हो, इन सारे कामों के लिए हम क्या करते हैं, इफेक्टिव बिजनेस लेटर्स का यूज़ होता है और हम करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों एडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है बिजनेस लेटर के। इससे आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो, सिस्टमेटिक और लॉजिकल नॉलेज आपकी जो भी होती है वो सही तरीके से आप दिखा सकते हो कि ये इस तरीके से ये पॉइंट्स होते हैं, उसको डिस्कस करके आप बता सकते हो कि ये आपको काम करना है और ये नहीं करना है, या फिर जो भी है अपने लेटर के थ्रू अपनी बात को बता सकते हो। कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, पेपर्स का भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि पेपर्स का तो यूज़ होता है बट वो इतना कॉस्टली नहीं होता, यहाँ पर कॉस्टली है, कॉस्टली ड्यू टू नो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब कि यहाँ पर तो जो बिजनेस लेटर होता है वो कई केसेस में कॉस्टली होता है। यहाँ पर इसको हटा दो कि नो यूज़ ऑफ, इसको थोड़ा सा कार्ड यहाँ पर से गलत लिखा गया है कि कॉस्टली होता है, क्योंकि कॉस्टली प्रोसेस होता है, कॉस्टली इस वजह से होता है क्योंकि आपका इसमें पेन और पेपर्स भी लगते हैं और इसके साथ में आपको लिखना रहता है, कई बार आपको इंटरनेट के साथ में भी यानी ईमेल्स वगैरह को भी डील करना होता है, तो कॉस्टली प्रोसेस होता है बोलने की। अगर फॉर्मल फेस टू फेस कम्युनिकेट करना हो तो उसमें कॉस्टली वो प्रोसेस नहीं होगा, आपका प्रोसेस कौन सा कॉस्टली होगा, जो लिखने वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टली प्रोसेस बोलते हैं बिजनेस लेटर्स को, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या क्या हो गए, इसके फंक्शंस में जैसे आपका लोगों को कंप्लेन करने के लिए, आप किसी को मान लो आपको कंप्लेन है किसी भी दूसरी फर्म के साथ में या फिर किसी भी चीज़ से, तो आप क्या करोगे, उसको लेटर लिख करके बताओगे। फिर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी तरीके तक इन्फॉर्मेशन, मान लो आपका आपने कोई टैक्स नहीं जमा किया तो उसमें क्या है, आपके पास में एक लेटर आएगा कि आपने बहुत दिनों से टैक्स नहीं जमा किया, क्यों नहीं किया, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर सिंप्लिसिटी और क्लियरनेस, यानी कि इसमें जो भी आपका इसके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस में आपका यहाँ पर नहीं लिखना जाना चाहिए था, पॉजिटिव लैंग्वेज होती है, मतलब कि यहाँ पर फंक्शंस की जगह एक और भी आप हेडिंग डाल लेना, फंक्शंस की जगह पर ये फंक्शंस में हमारा यही दो आ गए, ठीक है। इसके अलावा और भी आप अलग अलग इसके फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे अभी हम लोग आगे पीछे फंक्शंस को ही पढ़ करके आ रहे थे, ठीक है। अभी आगे यहाँ पर जहाँ से ये लिखा हुआ है, सिंप्लिसिटी एंड क्लियरनेस होनी चाहिए, उसके बाद में पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए, एक्यूरेसी, तो ये आप इसमें इंपॉर्टेंस डालो कि इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस लेटर का, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपके इंपॉर्टेंस के अंदर आएंगे, ठीक है। और फंक्शंस के अंदर और भी आपके ये जैसे यही पॉइंट्स होंगे, कंप्लेन को बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, है ना, कोई भी इंक्वायरी को करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए, इन सारी चीज़ों में आपके जो भी फंक्शंस होते हैं बिजनेस लेटर के होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा बिजनेस लेटर क्या है, इसके ऊपर मैंने डिटेल से सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, आप देख लेना जा करके। अब देखो उसका लेआउट किस तरीके का होता है, सबसे पहले अगर आपको लेटर लिखना है तो लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी हेडिंग लिखनी होगी, यानी कि अपने बारे में, अपने नेम के बारे में बताओ कि आपका क्या नाम है, ठीक है। आप अपने नाम के साथ में अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ों को लिखोगे। उसके बाद में जो भी जिसको भी आप भेजना चाह रहे हो, एड्रेस टू होम द लेटर इज रिटन, जिसको आप लिख रहे हो उसकी बात आएगी। उसके बाद में टाइटल ऑफ द टॉपिक लिखते हो ना, कि कौन सी टाइटल के ऊपर आप बात कर रहे हो, कि मान लो कि आपको अपने किसी भी तरीके की आपका टॉपिक हो सकता है, कोई भी आपका टॉपिक हो सकता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए या फिर कुछ भी हो, तो उसमें आप टाइटल डालो, ठीक है। टाइटल डालने के बाद में आपका सैल्यूटिंग, यानी कि उसको ग्रेट करो, डियर सर, डियर मैम, इस तरीके से सैल्यूट करो। उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर, जो भी आपका बॉडी आता है कि आप अपने पूरा कंटेंट को बताते हो, कंटेंट को बताने के बाद में आप क्या करते हो, उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हो, उसमें आप बताते हो अपने थैंक यू के साथ में, योर फेथफुली, है ना, अपना नाम लिखते हो, और उसके बाद में अपने सिग्नेचर करते हो, इनक्लोज करते हो। अगर इनक्लोजर्स में आपका जैसे आपके साथ में कोई भी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, उसको टच देने के लिए, जैसे मान लो आपके पास आपके लेटर के साथ में और भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, जैसे आपका आधार कार्ड लगना है, पैन कार्ड लगना हो, तो इनक्लोजर्स में लिखो कि आपने कौन कौन सा और भी अलग से डॉक्यूमेंट्स लगाए हो, तो अलॉन्ग विथ सम पेपर्स इफ इट इज़ देयर, अगर वो सारी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने पोस्ट किए हो तो वो आप इनक्लोजर्स में उसको लिखो, ठीक है, और लिख करके बताओ। तो ये आपका टोटल लेआउट होता है, एक तरीके से पूछा जाता है कि लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर बताओ, तो इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल से मेंशन करना होगा, या फिर अलग से आपसे पूछा जा सकता है कि बिजनेस लेटर के बारे में बताओ, उसके
मतलब कोई भी तरीके से आपको बोल दिया जाए कि इसके ऊपर बिजनेस लेटर लिखो, यानी कि एक लेटर लिख करके बताना होगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहो। आपको किस तरीके से लेटर लिखना है उसके लिए मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी देखो मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम का आप सीधा सा मतलब देख लो कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेमो, इसको हम क्या बोल सकते हैं मेमोरेंडम को, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मेमो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से आप छोटी सी चिट्ठी मान लो, जैसे चिट्ठी क्या होती है, रिमाइंड कराने के लिए किसी को दी जाती है, तो रिटन नोट, रिटन शॉर्ट मैसेज, मतलब कि छोटी सी, मतलब कि कोई भी मैसेज हो उसको डिलीवर करने के लिए। लेटर में हम क्या करते हैं, लेटर में हम बड़ी बड़ी चीज़ों को पोस्ट कर, लाइक हमको बिजनेस के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग दूसरी जगहों पर हमको बहुत ही फॉर्मल वे में हमको टच देना होता है। बट मेमोरेंडम में क्या है कि एक कैन बी लेस फॉर्मल, ठीक है, या फिर इसको इनफॉर्मल भी मान लो, कि आपको अगर मान लो किसी से दूसरों से हेल्प मांगनी हो तो आप लिख करके बोल दोगे, भाई मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए तुमसे, आपका ये क्या हो गया मेमोरेंडम, जो कि यूज़ होता है नॉर्मली कि टू रिमाइंड यू समथिंग। नॉर्मली किस वजह से यूज़ किया जाता है इसको, कि हेल्प टू रिमाइंड यू समथिंग, मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज़ को रिमाइंड कराना, जैसे कि मान लो आपके पास में कोई आपने कोई गलती करी हो, तो आपका बॉस आपको आपको एक मेमोरेंडम प्रोवाइड कर देगा कि आप भाई गलती करो, जो कंपनी देर से आ जाओ, तो आपको वो क्या करेगा, मेमोरेंडम एक तरीके से लेटर तो नहीं देगा आपको, मेमोरेंडम के फॉर्म में आपको दे सकता है एक छोटा सा नोट कि आप गलती कर रहे हो और आपकी सैलरी या फिर वेजेस जो भी है कट जाएगा, तो आप अपना टाइम से रेगुलर आओ। तो इस तरीके से आपको मेमोरेंडम में आपको दिया जा सकता है। तो ओनली एक्सचेंज बिटवीन द इनसाइड द वर्ल्ड, इसको हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड यूज़ के लिए नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज़ करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर दूसरी कंपनीज के साथ में बनाने के लिए रिलेशन हमको क्या करना रहता है, वो हमको लेटर्स लिखने होते हैं। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी चीज़ को आपस में कम्युनिकेट करना होता तो हम उसको लेटर के अलावा मेमोरेंडम के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेमोरेंडम कैन बी यूज्ड फॉर, इसमें क्या होता है कि टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द स्टाफ, मतलब कि अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, जैसे मैंने बताया ना कि छुट्टी बार बार वो जो हो रहा था एक एम्प्लॉय देर से आ रहा था, उसको आपको इंफॉर्म करना कि तुम रोज रोज लेट से आ रहे हो, तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी, इस तरीके से उसको इन्फॉर्म करना। टू कम्युनिकेट पॉलिसी चेंजेस, अगर मान लो कोई पॉलिसी है, मान लो 8 घंटे की शिफ्ट 12 घंटे में चेंज हो रही, तो तब पर भी आप मेमोरेंडम का यूज कर सकते हो, लिख करके बता सकते हो। टू गिव एंड सीक इन्फॉर्मेशन, है ना, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे छोटे बच्चों की डायरी में लिखा जाता है, तो वो क्या होता है एक तरीके की मेमोरेंडम। मान लो फीस नहीं जमा है, तो फीस जमा के लिए आप लिख देते हो अपने बच्चों की डायरी में कि आपकी जो भी फीस है बच्चे की नहीं जमा है, तो ऐसे। तो रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, अगर मान लो कि किसी को हेल्प चाहिए, तो उस केस में भी आप मेमोरेंडम का यूज कर सकते हो, ठीक है। टू रिमाइंड समथिंग, और किसी चीज को याद दिलाने के लिए आप मेमोरेंडम का यूज कर सकते हो। अभी देखो रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग भी एक काफी इंपॉर्टेंट होता है। रिपोर्ट राइटिंग में आपको यह चीज बतानी कि जो रिपोर्ट्स होती है वो क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट में लिखी जाती है, शार्प होती, कंसाइज डॉक्यूमेंट्स होता है, जो कि पर्टिकुलर पर्पस और ऑडियंस के लिखा जाता है, लिए लिखा जाता है। देखो जैसे कि मेरा एक आप लोगों ने भी मिनी प्रोजेक्ट को बनाया होगा, तो MBA में हो तो मिनी प्रोजेक्ट मिलता है, तो प्रोजेक्ट में क्या करते हो आप लोग, एक तरीके की रिपोर्ट बनाते हो कोई भी जगह पर से, आप क्या करते हो सर्वे करते हो, जा करके सर्वे कर करके आप अपनी रिपोर्ट को तैयार करते हो, यानी कि आप शॉर्ट में सारी चीज़ों को बता दो, जो भी आपने सर्वे किया, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, उन सारी चीज़ों को आप रिपोर्ट के अंदर लिखते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हो, तो इसके ये क्या होता है कि जनरली एनालाइज द सिचुएशन और प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी भी तरीके का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आप उसकी रिपोर्ट पूरी तैयार करते हो, ठीक है। तो इसका पर्पस, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, रिकॉर्ड को कीप करके रखना, ठीक है, मेकिंग डिसीजन में इसका कोई भी डिसीजन लेना उसके में काम आता है। इसके अलावा टू प्रोवाइड रियल एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, पूरी रियल और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को देने के लिए भी हमको क्या है, रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है, ठीक है। फॉर सर्वे पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, और फॉर प्रोवाइड सॉल्यूशन मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इन केसेस के लिए हम क्या करते हैं, इसका ये इंपॉर्टेंस है रिपोर्ट राइटिंग का, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है रिपोर्ट को लिखने का, इसमें सबसे पहले आपका कवर पेज आता है, कवर पेज के बाद में आपका क्या आता है, एक्नॉलेजमेंट आता है कि आप किसको थैंक यू करना चाहोगे, अगर आपको अगर लिखना हो तो आप थैंक यू किसका करना चाहोगे, कहां कहां से आपने, कौन से सोर्सेज से आपने डेटा को कलेक्ट किया। फिर टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट में आप बताते हो कि कहां पर से कौन से पेज में कौन से नंबर पे आप देखो जा करके। फिर समरी आप बताते हो कि आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, उसके बाद में इंट्रोडक्शन देते हो अपनी जो भी है, जो भी आपके टाइटल हो, जो भी आपका टॉपिक होता है उससे रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन देते हो, फिर आप समरी को डिस्कस करते हो, देन आप डिस्क्रिप्शन पे पहुंचते हो, फिर कॉन्क्लूजन को देते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बताने के बाद में कॉन्क्लूजन दोगे, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस दोगे, कहां कहां से आपने रेफरेंस, कौन कौन सी जगह से आपने डेटा को कलेक्ट किया, उसके बाद में अपने साइन सिग्नेचर करके उसको पोस्ट कर देते हो, ठीक है। इस तरीके से आपने यहां पर से हमारा क्या है कि रिपोर्ट राइटिंग भी कंप्लीट होता है। रिपोर्ट राइटिंग के बाद में हमारा आता है प्रेजेंटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग टू एनी
एनी टॉपिक टू एन ऑडियंस। अब मान लो कि आपको कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है अपने रिपोर्ट से रिलेटेड, मान लो कि आपने रिपोर्ट क्या है एक तरीके से लिख करके, बट प्रेजेंटेशन में क्या है, प्रेजेंटेशन में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बताना भी पड़ेगा, अपने आपको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा ऑडियंस के सामने कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। तो वो क्या होगा, एक तरीके से मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग टॉपिक टू एन ऑडियंस, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, गूगल स्लाइड्स हो गया, ये सब क्या है, प्रेजेंटेशन का ही एक क्या होगा, पार्ट हो गया। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या करना, प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें पहले से बना करके रखी हूँ और आपके साथ में इस इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा थक गए होंगे क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अगर चाहो तो वीडियो पॉज करके अलग अलग जाके थोड़ा सा अपना एडजस्ट कर सकते हो फिलहाल। एनीवेज यहाँ पर देखो हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंटेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो उसमें एक आपका आता है कि इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, जैसे आपके एजुकेशनल से रिलेटेड कोई भी आपको टीचर प्रोवाइड करता है तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रेजेंटेशन है, इसमें क्या होता है, टू द पॉइंट बात करी जाती है। फिर इंस्ट्रक्टिव प्रेजेंटेशन, इंस्ट्रक्टिव भी प्रेजेंटेशन जो होती है वो क्या होती है, उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ज़्यादा गहरी यानी डीप नॉलेज होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और क्या होता है, इंस्पायर किया जाता है किसी को, यानी कि इंस्पायरेशन यानी कि एज वेल मतलब कि किसी को इंस्पायर करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, डीप नॉलेज देना और इसको इंस्पायर भी करना। उसके बाद में पर्सुएटिव प्रेजेंटेशन, पर्सुएटिव प्रेजेंटेशन क्या होती है, कोई भी तरीके का एक प्रॉब्लम ली जाती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उसके अलग अलग सॉल्यूशंस बताए जाते हैं। जैसे आपका मिनी प्रोजेक्ट में क्या होगा, आपने एक प्रॉब्लम को लिया होगा कि यह एक प्रॉब्लम है ना, कि इस तरीके से लोगों का, मान लो कि आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट्स होते हैं तो क्यों होते हैं, ये प्रॉब्लम हो गया और आप कौन से प्रॉब्लम को किस तरीके सॉल्व करना चाहते हो, इस चीज़ के ऊपर आपने क्या क्या होगा प्रेजेंटेशन एक दी होगी, ठीक है। फिर आगे देखो मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन, मोटिवेशनल का मतलब कि आप किसी को मोटिवेट करते हो, जो भी अलग अलग तरीके के मोटिवेटर्स होते हैं वो प्रेजेंटेशन देते हैं, तो इंटरेस्ट टू द ऑडियंस मतलब कि जनरेट इंटरेस्ट, जिससे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट जाग जाता है और वो अपने काम को अच्छे तरीके से ईमानदारी से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन। अब देखो विजुअल एड्स फॉर प्रेजेंटेशन, विजुअल एड्स कौन कौन से होते हैं, विजुअल एड्स का मतलब हुआ कि कौन कौन से थ्रू, किस किस चीज़ों के थ्रू आप प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो देखो इंक्लूड ऑब्जेक्ट, इमेज, डायग्राम, डाटा ग्राफ्स, मूविंग इमेज, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं विजुअल एड्स के अंदर आती हैं। कि जैसे मान लो कि जो भी हम चीज़ों के थ्रू बात करें, कोई भी हमने डेटा को अगर लगा दिया अपनी पीपीटी में, कोई भी फोटो लगा दिया, इमेज लगा दिया, जिससे आप अच्छी तरीके समझ पाओ, रिलेट कर पाओ, वही क्या हो गया, विजुअल एड्स हो गया, ठीक है। कॉमन टेक्नोलॉजी यूज टू शेयर विजुअल एड्स, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, प्रेजेंटेशन के एप्लीकेशन हो गया, व्हाइट बोर्ड के थ्रू आप क्या करते हो, अपनी बातों को शेयर करके बताते हो, प्रोजेक्टर्स के थ्रू, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, तो इन सारी चीज़ों के थ्रू अपनी बातों को आप बताते हो, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ विजुअल एड्स, जैसे आपका देखा जाए तो आपको कौन कौन से विजुअल एड्स में आ गए, आपका बोर्ड हो गया ब्लैक और व्हाइट कलर का, इसके थ्रू आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको बताते हैं, तो ये आपका क्या होगा कि अपनी बात को प्रेजेंटेशन देने के लिए कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हो, बोर्ड का यूज़ कर सकते हो। बोर्ड के यूज़ के अलावा फ्लिप चार्ट, फ्लिप चार्ट क्या होता है, एक तरीके से ऐसा बोर्ड होता है ट्राईपॉड से मतलब कि तीन पैर वाला होता है और उसमें क्या होता है, एक तरीके से बोर्ड रखा होता है, इस तरीके से बोर्ड रखा होता है और बोर्ड के ऊपर से क्या होता है, कागज़ को टंगा होता है, जैसे कैलेंडर होता है, तो वो बार बार आप उसको जो दिन प्रतिदिन उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लिप चार्ट ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद में ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, यानी कि जो भी प्रोजेक्टर्स ऊपर से सर के ऊपर हमारे लगे होते हैं ना, तो वो हो गया हमारे ओवरहेड प्रोजेक्टर। और कुछ लोग होते हैं पावर पॉइंट प्रोजेक्शन, यानी कि इस तरीके से जो भी कोई कई कई यूट्यूबर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से ऐसे पढ़ाते हैं, जो उनके पास में क्या होता है, पीछे से स्क्रीन टच वाला होता है ना, तो वो क्या होता है, कई टीचर्स भी एकेडमिक स्कूल्स वगैरह में भी पावर पॉइंट प्रोजेक्शन का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे विजुअल एड्स फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी देखो हमारे इस तरीके से थर्ड यूनिट भी खत्म होता है और फोर्थ यूनिट स्टार्ट होता है, दो यूनिट और हैं। आई होप कि सभी लोग थक गए होंगे थोड़ा सा, बट एग्जाम में तो पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो यूनिट फोर में क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि आपकी जैसे कि जो भी रिलेटेड आपका, जैसे बात किया जाए कि कोई भी आपकी चीज़ें होगी, जैसे आप समझ लो कि आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होता है इसी को एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन होता क्या, इस चीज़ को देखो, तो कम्युनिकेशन डैट हेल्प बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड एम्प्लॉयर, जो आपको एम्प्लॉयर हो यानी कि आपको एम्प्लॉयमेंट देने वाला हो, जो आपको जॉब प्रोवाइड करने वाला हो, और जो एक एम्प्लॉय यानी कि एक एम्प्लॉय का मतलब कि आप अगर जो भी एक इंडिविजुअल हो
जिसको जॉब जिसको लेना होता है वो जाता है और एक एम्प्लॉयर यानी जो प्रोवाइड करने वाला होता है जॉब उसके बीच में जब कम्युनिकेट होता है वही हमारा क्या होता है एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन होता है। तो इट इंक्लूड्स गिविंग जॉब एडवर्टीजमेंट, जॉब एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग, इंटरव्यूज एंड ऑल। ठीक है, तो इसकी टाइप्स देख लो, टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि जॉब की इंक्वायरीज करना हो, ठीक है, उसका एप्लीकेशन देना हो, ठीक है, कवर लेटर हो, यहाँ पर कैरिकुलम वेटे जिसको आप लोग रिज्यूमे भी बोलते हो, रिज्यूमे अलग होता है बट कैरिकुलम वेटे क्या होता है उसमें ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, इंटरव्यू के लेटर्स हो गए, रेफरेंस लेटर हो गए, अपॉइंटमेंट लेटर हो गए, ये इसके कुछ एक टाइप हो गए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन के, इसके बाद में आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। और दोस्तों अगर पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लो, आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आप लोगों को पूरी पीडीएफ आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि पीडीएफ आपको ऐसे ही डायरेक्ट नहीं मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको नॉर्मल से छोटे से चार्जेस होते हैं 200-400 रुपये, ठीक है, उसको पे करना रहता है, क्योंकि अगर इस तरीके से मैं शेयर करूँगा तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि थोड़ा सब जगह पर इस तरीके से नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह जो भी पीडीएफ होते हो थोड़ी सी चार्जेबल है, उसका यही बेनिफिट रहता है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, वहाँ पर से आप अगर देखो तो स्क्रीनशॉट कितना ले पाओगे, है ना। और अगर आपको जैसा पता सही जहाँ पर से आपको सही लगे समझ में आए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैरिकुलम वेटे, कैरिकुलम वेटे का मतलब क्या होता है कि इन शॉर्ट इसको हम लोग रिफर करते हैं सीवी के नाम से, कैरिकुलम वेटे को। ठीक है, तो इसको हम लोग कैरिकुलम वेटे क्या होता है ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में सीवी के नाम से भी बोलते हैं, सी और वी। ठीक है, ये क्या होता है रिज्यूम का एक, मान लो आप भाई मान सकते हो उसको। रिज्यूम में क्या होता है, जब भी कोई फ्रेशर अपना अपने एम्प्लॉयमेंट को जाता है, अगर वो सोचता है कि मुझे जॉब मिल जाए, तो फ्रेशर अगर बनाता है अपने अपनी डिटेल्स के बारे में तो वो रिज्यूमे होता है। बट अगर आपका रिज्यूमे के साथ में एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाता है तो रिज्यूमे क्या होता है वो आपका कैरिकुलम वीटे बन जाता है, क्योंकि आप वहाँ पर अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताते हो, आपने क्या क्या सीखा वो सारी चीज़ों को भी बताते हो, थोड़ा सा लॉन्ग और थोड़ा सा मतलब इसमें क्या होता है डिटेल्ड नॉलेज होती है कैरिकुलम वीटे में, तो इट इज लॉन्गर टू और मोर पेजेस। मतलब इसमें क्या होता है कि जो दो या चार पेजेस इसमें क्या हो सकते हैं ऐड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बायो डाटा होता है, तो बायो डाटा और भी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसमें कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए, आपकी पर्सनल डिटेल आ गई, कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई, वर्क एक्सपीरियंस आ गया, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री, कहाँ से जो भी आपने कहाँ कहाँ आपने काम किया वहाँ से आपने क्या चीज़ को सीखा, तो ये सारी चीज़ें आपकी हिस्ट्री आ गई, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड आ गया, स्किल्स आ गया, आपने कौन से कोई आपको अवार्ड मिला है का, कहीं पर से आपने कुछ जीता हो तो उसके बारे में बताओ। ठीक है, इंटरेस्ट आपका कहाँ इंटरेस्ट है, अचीवमेंट क्या है, एडिशनल डिटेल्स जैसे आपके घर परिवार से रिलेटेड अपनी आपकी मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपके अंदर कैरिकुलम वीटे के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद में आप देखो ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जब दो चार लोग आपस में बैठ करके बात करते हैं, वो आपका इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, यानी कि एक तरीके से ओरल कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है। इसमें स्मॉल नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स जो भी होते हैं, अब देखो बिजनेस कम्युनिकेशन की हम बात करें तो बिजनेस कम्युनिकेशन में हम प्रोफेशनल या प्रोफेशनल का मतलब बिजनेस रिलेटेड यानी फॉर्मल ही ग्रुप डिस्कशन की बात करेंगे। अब वहां हम दोस्तों के बारे में तो बताएंगे नहीं कि वहां दोस्तों में से हम लोग बात करते हैं, तो प्रोफेशनल्स की बात इस वजह से बताया कि प्रोफेशनल इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल नंबर ऑफ प्रोफेशनल, जब भी प्रोफेशनल्स जो भी होते हैं दो चार लोग बैठ करके, जब भी प्रोफेशनल्स आपस में बैठ करके मीटिंग करते हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस तक पहुंचते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रुप का डिस्कशन। कभी कदार जो भी होता है ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो यूज फॉर कि चेक द एबिलिटी, है ना, किसी की एबिलिटी को चेक करने के लिए, इंटरव्यू जो भी है इंप्लॉय की एबिलिटी को चेक करने के लिए कि वो किस तरीके से किसी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है, इन सारी चीज़ों को एबिलिटी को चेक करने के लिए ग्रुप डिस्कशन का भी यूज़ किया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हो कि आपको लीडर होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से दूसरे लोगों को सुनो, ठीक है, दूसरों को भी इंकरेज करो स्पीक करने के लिए, इस तरीके बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पर, तो मैंने केवल दो चार ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद डोंट्स में आपके कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, जैसे कि डू नॉट बी अग्रेसिव, आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है, मतलब गुस्सा नहीं करनी, अगर मान लो आप किसी बात से एग्री नहीं कर दो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा उसमें गुस्सा नहीं दिखाना है। डोंट बी अ पार्ट ऑफ फिश मार्केट, अब फिश मार्केट क्या होती है, जैसे जब सभी लोग आपस में एक दूसरे से कच कच कर मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है फिश मार्केट क्रिएट होता है, मतलब सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, सब कोई किसी की बात को सुन नहीं रहा होता, सब आपस में अपना अपना बोलते हैं, तो उस जब भी फिश मार्केट क्रिएट हो जाती है उसका पार्ट आपको नहीं बनना है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो कि डोंट बी मूव योर बॉडी एंड सिट स्ट्रेटली, कि आपको सही तरीके सीधे वे में आपको एकदम सही
सही तरीके से बैठना है, ये सारी चीज़ें आपको ग्रुप डिस्कशन करने के दौरान में आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसी के साथ में हमारा फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट होता है, लास्ट यूनिट पर हम लोग आ चुके हैं, थोड़ा सा टाइम हो चुका है, थोड़ा सा और भी देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिट फिफ्थ के अंदर बात किया जाए तो दोस्तों हमारी यूनिट फिफ्थ जो है उसका नाम है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना है सबसे पहले मॉम के बारे में। यहाँ पर मॉम का मतलब क्या है कि मीटिंग ऑफ मिनट्स, यानी कि मीटिंग ऑफ मिनट्स क्या होता है। अब मीटिंग ऑफ मिनट्स के ऊपर हम लोगों ने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी डिस्कस करके रखी होती है। ये क्या होता है, एक तरीके से आपका इंस्टेंट रिटर्न रिकॉर्ड होता है, यानी कि अगर आप जब भी आप मीटिंग करते हो, कोई भी आप मीटिंग करते हो, तो उस मीटिंग के दौरान में जो भी बातें हुई, जो भी डिसीजन लिए गए, जो भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से पहुंचे गए, उन सारी चीज़ों को अगर छोटे से एक पेपर के अंदर लिख लेते हो, एक पेपर के अंदर लिख लेते हो कि कौन सा कंक्लूजन किसने दिया, मतलब कहाँ पर से कौन सा सजेशन किसका है, कहाँ पर से किसकी बात को रखा जाए, वही क्या होता है दोस्तों मीटिंग ऑफ मिनट की, जो भी मीटिंग के दौरान हुआ उसको शॉर्ट नोट में, उसको शॉर्ट चीज़ों में आप आराम से उसको एक जगह पर रख लो, वही आपका मीटिंग ऑफ मिनट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इंस्टेंट रिकॉर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग, कि मतलब कि मीटिंग के दौरान में कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए गए, इन सारी चीज़ों को एक तरीके से बताने के लिए आप इंस्टेंट रिकॉर्ड रख सकते हो, छोटा सा लिख करके रख सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट पार्टिसिपेंट कैन हैव डिफरेंट रिकलेक्शन ऑफ द मीटिंग, से मतलब कि अलग अलग लोगों का क्या होगा, अलग अलग रिकलेक्शन होगा। मान लो कि मुझे कौन सी बात नहीं ध्यान दे जाती तो मैं अपने हिसाब से अलग लिखूंगा, कोई आदमी दूसरा अपने हिसाब से वो अलग लिखेगा, सब लोगों का सेम थोड़ी नहीं होगा मीटिंग ऑफ मिनट्स, है ना। तो ये होता है, अब देखो जो मॉम होते हैं यानी कि मीटिंग ऑफ मिनट जो भी होते हैं वो उसको क्या है कि यूजुअली कंटेन्स इंफॉर्मेशन एट सोलो। इसमें सबसे पहले आपको क्या होता है, कंपनी का नेम बताना होता है, उसके बाद में कलेक्टेड बाय, जो भी कलेक्ट कर रहा होता है, जो भी मीटिंग ऑफ मिनट बना रहा होता है उसका नाम आता है, उसके बाद में डेट ऑफ टाइम आती है, उसके बाद में लोकेशन हो गया, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट यानी कि कितने लोग अटेंड कर रहे हैं मीटिंग ऑफ मिनट को, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो गया, उसके बाद में नेम ऑफ एब्सेंट्रीज यानी कितने लोगों का बुलाया गया था और कितने लोग एब्सेंट थे, है ना, ये भी चीज़ों को बताना। उसके बाद में मिनट्स ऑफ लास्ट मीटिंग की, कौन कौन से मीटिंग के लास्ट मीटिंग में क्या चीज़ों का डिस्कस हुआ था, इस चीज़ को बताना। और इसके बाद में एट पॉइंट में आपका आता है एजेंडा, यानी कि आज की इस मीटिंग के अंदर आप क्या चीज़ों को डिस्कस करने वाले, कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले, इस चीज़ का पूरा एजेंडा, कौन से समय पर आप कौन से टॉपिक को डिस्कस करोगे। एंड नोट्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में क्या आता है, नोट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाते हैं सभी लोगों को, जिससे कि सभी लोग अपना अपना जो भी हो नोट्स बना सकें, लिख सकें। उसके बाद में की डिसीजंस लिए जाते हैं, कौन सा टास्क कौन व्यक्ति करेगा, सबको अलग अलग टास्क असाइंड किए जाते हैं। उसके बाद उनकी डेडलाइन भी बताई जाती है कि कब तक की सबको जो भी है आपको टास्क पूरा करना है। उसके बाद में सजेशंस दिए जाते हैं, अगर किसी आदमी को कोई सजेशन देना होता है तो उसका नाम भी नोट किया जाता है मीटिंग ऑफ मिनट में, कि इस व्यक्ति ने ये सजेशन दिया है। और उसकी डेजिग्नेशन भी बताई जाती है कि वो कौन सी पोस्ट में, मान लो कोई असिस्टेंट इंजीनियर है, कोई जूनियर इंजीनियर है, तो ये सारी चीज़ें उसके नेम के साथ में लगाई जाती है कि मान लो मिस्टर मोहन और असिस्टेंट इंजीनियर, है ना, तो सजेशंस में इस तरीके से नाम लिखा जाता है। उसके बाद में समरी ऑफ की डिस्कशन, मतलब कि पूरी मीटिंग के दौरान में जो भी पूरी समरी हो उसकी सारी चीज़ों की समरी तैयार करना, सारी चीज़ों की रिपोर्ट तैयार करना। उसके बाद टाइम एंड डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, अब नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं मॉम यानी कि मीटिंग ऑफ मिनट के एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, अभी देखो हम लोगों को क्या करना है नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मीडिया मैनेजमेंट में दोस्तों मीडिया जो मैनेजमेंट होता है, मीडिया मैनेजमेंट के आपके बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि देखो सपोज़ कि जो भी अलग अलग यूट्यूबर्स होते हैं, जैसे मैं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ अपना मीडिया मैनेजमेंट करता हूँ। आप भी हो, ठीक है, आप अपने फेसबुक को मैनेज करके रखते हो, ठीक है, अपनी फेसबुक की जो भी आईडी वगैरह को अच्छे से मैनेज करके रखते हो, और भी अलग जहाँ पर भी आप इंस्टा पे हो, ठीक है, तो वो मीडिया मैनेजमेंट का ही सारी चीज़ों का पार्ट होता है। ठीक है, तो मीडिया मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो कि प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल, कि मतलब कि लोगों को मैनेज करना, ठीक है, कि जो भी मीडिया रिलेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि एक्टर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, राइटर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, ठीक है, तो ये सारे लोग क्या होते हैं मीडिया मैनेजमेंट करना, उन सारी चीज़ों का, उनके बारे में जो भी होता है उन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करके रखना। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स कि जैसे प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया के इंटरव्यूज, इसके अंदर तीन चीज़ें जो होती है वो इंक्लूड होती है, एक पहली आपकी प्रेस रिलीज होती है, दूसरी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड मीडिया के इंटरव्यू, तो तीन चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग यहां पर सबसे पहले किसको बारे में पढ़ेंगे, प्रेस रिलीज क्या होती है। ठीक है, तो प्रेस रिलीज मीडिया मैनेजमेंट के अंदर आती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है। प्रेस रिलीज दोस्तों क्या होती है, जैसे कि मान लो ये कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, तो उस कंपनी को क्या करना है, अपना प्रोडक्ट को कुछ
कुछ उसने नया लॉन्च किया, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो अब वो किस तरीके से बताएगा, अब वो कंपनी किस तरीके से बताएगी दूसरों तक, कि किस तरीके से पूरी जनता तक, मतलब ये अपनी बात को पूरी लोगों तक पहुंचाएगी जाकर के, कि मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप उसको ख़रीदिए आइए और उस प्रोडक्ट को ख़रीदिए आकर के। तो वो क्या करेगी, एक प्रेस रिलीज़ को लिखेगी। प्रेस रिलीज़ का मतलब कि वो अपनी बात को लिखेगी कि मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और उस प्रेस रिलीज़ को क्या करेगी, जहां पर से जो भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जहां पर छापे जाते हैं, यानी कि जो भी मैगजीन्स वगैरह छापे जाते हैं, उनके पास में लेकर के जाएगी वो कंपनी की, आप इस मेरे मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, इस बारे में आप सारे जितने भी लोग हैं उनको बताइए, लोगों को अवेयर करिए। तो वो क्या करेगी, जो भी मीडिया होगी, मीडिया क्या करेगी, अपने जो भी मैगजीन्स वगैरह में उसके आर्टिकल को पोस्ट करेगी, ठीक है। तो अब ये मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसको इन्फॉर्मेटिव लगेगी, अगर उसको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अगर इंपॉर्टेंट लगेगी, तभी वो मीडिया के अंदर अपनी जो भी है वो चीज़ों को प्रेस रिलीज, उसका मतलब प्रेस रिलीज लोगों को बताएगी उसके प्रोडक्ट के बारे में। अगर उसको मीडिया को लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तब वो लोगों को उसके बारे में नहीं बताएगी, ठीक है। तो ये मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मीडिया होते हैं वो आती है, क्योंकि अगर आप कोई भी नए कंपनी में कोई भी नया प्रोडक्ट को बनाते हो या फिर कोई भी ऐसी न्यूज़ होती है जो कि सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो ये चीज़ों को शेयर करने के लिए प्रेस रिलीज ही यूज़ करी जाती है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, दैट अनाउंस्ड अ न्यूज़वर्दी स्टोरी अबाउट योर ब्रांड, कंपनी और द मीडिया, टू द मीडिया, कि मतलब कि आपकी मीडिया को अपने ब्रांड के बारे में बताना, अपनी कंपनी के बारे में बताना, कोई नई स्टोरी हो, कोई नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया हो तो उसके बारे में बताना, लोगों तक अवेयर करना। जैसे कि कोई भी नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया हो, कोई आपको अवार्ड मान लो मिल गया हो, ठीक है, पार्टनरशिप आपने किसी के साथ में किया हो, जैसे मान लो जियो का किसी के साथ में पार्टनरशिप हो गई हो, जैसे कि हीरो और होंडा दोनों पहले क्या थे, एक जैसे थे, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, ठीक है, तो वो लोग क्या थे, पहले एक थे शायद, और मतलब अलग अलग थे, फिर दोनों एक हो गए, अभी दोनों अलग हो गए शायद, तो ये सारी क्या है, पार्टनरशिप के प्रोग्राम हो गए जैसे, है ना। फिर क्राइसिस के, क्राइसिस रिलेटेड कोई भी मीडिया के अंदर कोई क्राइसिस आ गया, जैसे कि आप देखो डोमिनोज का हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल देखा था ना, कि क्राइसिस हो गया था, उसकी रेपुटेशन क्या हो रही थी, इमेज क्या हो रही थी उसकी, डाउन हो रही थी, तो उसमें क्या है, क्राइसिस हो रहा है, मतलब क्राइसिस का मतलब आप समझ लो कि उस क्राइसिस को डील करने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए प्रेस रिलीज को यूज़ किया जा रहा है। कोई भी इवेंट किसी कंपनी ने कंडक्ट करा है, तो उस चीज़ को भी बताने के लिए, लोगों तक अवेयर करवाने के लिए उस इवेंट के बारे में, या फिर कोई अनाउंसमेंट देनी है किसी भी कंपनी को, लोगों तक पहुँचाने की हम फ्री ऑफर दे रहे हैं, फिर फ्री सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, प्रेस रिलीज का यूज़ करती है, ठीक है। अब देखो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, एलिमेंट्स में इसमें बात किया जाए तो प्रेस रिलीज जो भी होती है, आपको सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, प्रेस रिलीज नाम का एक तरीके से लेबल लिखना होता है। प्रेस रिलीज को लिखने के लिए आपको जो भी है प्रेस रिलीज का एक ऐसा लेबल सा लिखना होता है कि यहाँ प्रेस रिलीज आप लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आपको जो भी रिलीज की डेट है उसको डेट को डालो, डेट वगैरह को डाल करके आप जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आप जहाँ से 24/7 और तक कि आप कॉन्टैक्ट कर सको जिस भी व्यक्ति से, उससे रिलेटेड आप कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन डालोगे। फिर आप उसकी हेडिंग डालोगे जो भी मेन हेडिंग होगी, हेडिंग मतलब कि जो भी आपका चीज, जैसे मान लो कि किसी को कोई अवार्ड मिला, आपकी कंपनी को कोई अवार्ड मिला, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप वो हेडिंग को क्या करोगे, सबसे ऊपर रखोगे। उसके बाद में उसकी सब हेडिंग्स, ये कंपनी कहाँ गई, कहाँ पर उसको कौन सा अवार्ड मिला, ये उसकी सब हेड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद बॉडी की बात आती है, तो बॉडी के अंदर क्या हो गया, जैसे कि अलग अलग जो भी उसके बॉडी आ गए, जैसे कि जो भी कंटेंट हो गया उसका, पूरा कंटेंट क्या है उसका, ठीक है, तो उससे रिलेटेड। उसके बाद में लीड, लीड का मतलब कि जहाँ पर से जो भी चीज़ें उसको लीड करने वाली है, जैसे कि इसका एग्जांपल देता हूँ, लीड का मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी होती है वो इस मैनर में अपने अपने जो भी है प्रेस रिलीज को लिखती है कि मीडिया उसकी बातों को, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको, उसकी बातों को, उसकी इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाए। इस मैनर में प्रेस रिलीज अपनी बात को रखती है, या फिर ऐसी इस तरीके से अपनी बातों को बताती है, मीडिया के, मीडिया से ऐसी रिक्वेस्ट के फॉर्म में करती कि आप मेरी बात को दूसरों तक इसके बारे में आप बताओ, या फिर उसको बताती कि आपकी आपकी जो भी इंपॉर्टेंस क्या है, कि आप जो भी प्रेस रिलीज को शेयर कर रहे हो, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो लीड के अंदर ये आता है। फिर लीड के बाद में आपका आता है बॉयलर प्लेट, बॉयलर प्लेट काफी इंपॉर्टेंट होता है और कई बार अलग से भी पूछा जाता है कि बॉयलर प्लेट होता क्या है, तो ये क्या होता है, जनरल ओवरव्यू ऑफ अ कंपनी, कंपनी के बारे में होता है इन्फॉर्मेशन, उसकी प्रोडक्ट कौन सी कंपनी बेचती है, पर्सन कौन है कंपनी का, CEO कौन है, ये सारी चीजें जो भी होती है बॉयलर प्लेट के अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद में क्लोज, क्लोज में जैसे आपके क्लोज करते हो, जो आप न्यूज़पेपर के अंदर देखते हो इस तरीके से डॉट्स लगे होते होंगे, ठीक है, तो न्यूज़पेपर के अंदर
तरीके से, कोई कोई मैगजीन्स में ऐसे ऐसे हैश टैग लगा करके 3 बार इस तरीके से यानी उसको क्लोज करना, इसका मतलब क्या होता है कि आपने अपनी बात को पूरा ख़त्म कर लिया। तो ये प्रेस रिलीज के कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं। और उसके बाद में दोस्तों बात आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, जैसे जो प्रेस रिलीज होता है उसमें आप अपनी बात को लिख करके बताते हो, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि मीडिया का एक इवेंट होता है जिसको बुलाया जाता है। मान लो कि आपके घर में कोई भी, मान लो कि कोई भी दिक्कत आ गया, फिर मान लो कोई भी चोरी हो गई किसी के यहाँ पर, तो क्या होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। या फिर कोई भी कंपनी हो गई, कोई किसी को अवार्ड मिला या फिर कोई सेलिब्रिटी आया, ठीक है, तो उसके लिए क्या होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाता है। और वो क्या करती है, आकर के पूरी सारी चीज़ों की फोटो कैप्चर्स करती है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखती है, सब जगह पर फोटोज क्लिक करी जाती है, वीडियोज बनाए जाते हैं, उसके बाद में उसको शेयर किया जाता है सोशल मीडियाज के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया मीडिया का इवेंट होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि ओनली टू डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम मीडिया, जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स होता है ना, क्वेश्चन आंसर्स की एक तरीके की सीरीज होती है कि आपने किस तरीके से अवार्ड जीता या आपको किस तरीके से मिला। आप देखते होगे ना न्यूज़ चैनल्स वगैरह में कि जो भी जैसे कोई की सक्सेस मिलती है तो वो अपनी उसके उससे रिलेटेड एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना। क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज होती है, जैसे कि देखते हो कोई भी सेलिब्रिटी जा रहा है उसके साथ में अगर कोई भी चीज़ हो गई, दिक्कत हो गई, तो वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि सवाल जवाब करता है, उससे अपनी बातों को पूछता है, बताता है, और वो जो भी होता है सामने वाला अपनी जो भी जवाब देते देते परेशान होता है। तो ये होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये क्या है कि यूज ओनली इन थ्री सर्कमस्टेंसेस, जब भी आपके पास में कोई नया बिग कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी बिग डेटा हो, या फिर कोई भी ऐसी न्यूज़ हो जो कि नई न्यूज़ हो, ठीक है, या फिर जो जर्नलिस्ट हो वो अगर कोई वांट टू नो, कि अगर जो भी जर्नलिस्ट होता है या फिर पूरी जो जनता होती है पब्लिक होती है अगर वो चाहती है कि उसको इस बारे में पता चले, ठीक है, तो वो जो भी मीडिया होती है वो सभी लोगों तक पहुंचती है और पहुंच करके बातचीत करती है, उससे क्वेश्चन आंसर की सीरीज कंडक्ट कराई जाती है कि आप मुझे बताएं इसके बारे में, ठीक है। तो ये होती है जब मीडिया जो चाहती है वो बात करना चाहती है उन लोगों से, तब इस केस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसको कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, रिलीज क्या होता है। अब देखो बिजनेस एटिक के बारे में बात करते हो, बिजनेस एटिक का मतलब होता है एक तरीके से आप इसको मैनर्स समझ लो, कि हम जो अपनी डेली लाइफ में जो मैनर्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं ना, कि हमको कैसे बैठ करके खाना खाना है, हमको कैसे टेलीफोन में बात करनी, तो यही सारे जो भी होते हैं रूल ऑफ सोशल बिहेवियर, इसको आप रूल ऑफ सोशल बिहेवियर के नाम से बोल सकते हो, या फिर प्रोफेशनल कंडक्ट, कि किस तरीके से आप प्रोफेशनल किस तरीके से अपने आप को दिखा सकते हो। मान लो आप कंपनी में गए और आप इन प्रोफेशनल बिहेवियर शो कर रहा हो, किसी से भी ऐसे ही बात करने लगे, ठीक है, तो वो क्या होता है कि इन प्रोफेशनल आपका कंडक्ट शो करता है, इससे आपका आपके जो भी पर्सनालिटी पे बुरा इफेक्ट पड़ता है और सभी लोग आपको मतलब क्या है कि आपको आपकी रेपुटेशन भी कम होती है। तो बिजनेस एटिक मतलब आपके अंदर मैनर्स होने चाहिए, बोलने चलने का, उठने बैठने का, बातचीत करने का, खाने का तरीका होता है, यही सारी चीज़ें जो होती हैं बिजनेस एटिक के अंदर आती हैं। तो सक्सेसफुल प्रोफेशनल जो होते हैं उनको पता होता है कि किस तरीके से कैसे बिहेव करना होता है कंपनी के अंदर, मीटिंग्स में, पार्टीज़ में और डिनर्स में, यही होते हैं हमारे एटिक्स यानी कि मैनर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसकी टाइप्स देख लो, जैसे कि एक वर्क प्लेस में कि हमको काम के दौरान में जब भी हम ऑफिस में जाते हैं तब हमको कैसा, कौन से कपड़े किस तरीके के पहन के जाने हैं, ठीक है, इस सारी चीज़ों से रिलेटेड। टेलीफोन के एटिक होते हैं कि किसी का फ़ोन आया तो हाँ हाँ बताओ कौन बोल रहा है, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से बोलोगे हाँ जी बोलिए मैं साकार गुप्ता, है ना, इस तरीके से बोल करके बताओगे कि अपने बारे में बताओगे, टेलीफोन में एटिक के बारे में बताओगे कि किस तरीके से आपको बोलना है ताकि सामने वाला जो हो आपको लगे, सामने वाला आपको पढ़ा लिखा और एकदम मैनर्सदार समझे, ठीक है। उसके बाद में एड्रेस से रिलेटेड एटिक, अब मान लो कि आपको जाना है कहीं पर पार्टीज़ में आप जा रहे हो फॉर्मल एकदम बन के, जैसे आप ऑफिस से आ रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो तो उस तरीके से अलग तरीके की ड्रेस पहन करके जा रहे हो, जिम में जा रहे हो टाइट कपड़े पहन करके, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि इस तरीके से ड्रेस से रिलेटेड एटिक आपको आना चाहिए, यानी कि आपके शूज़ पॉलिश होने चाहिए, आपके जो भी हेयर कट्स होने चाहिए सही तरीके से हो बॉयज़ के लिए, अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो कि यहाँ पर ड्रेस रिलेटेड जो भी एटिक्स होते हैं आपको एटिक्स दिए जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी बताया जाता है आपको फॉर्मल जो भी जो आपकी स्लीव्स होती हैं आस्तीनें जो होती हैं शर्ट की उसको अपनी बाजुओं को फुल मतलब बंद करके रखना होता है, ठीक है, टाई को ऊपर से लगाना होता है, बटन ऊपर की बंद करके रखना होता है, ये सारे ड्रेस रिलेटेड एटिक होते हैं जो कि सबको पता होना चाहिए। और फिर यहाँ पर टेबल मैनर्स और डिनिंग के एटिक्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि कैसे खाना है, किस तरीके से कैसे स्पून का यूज़ करना हो गया, ठीक है, और जब सभी लोग बैठ करके
खा रहे हो तो अपना खा लिया, आपने तो जल्दी उठ करके नहीं चले गए, ठीक है सभी लोगों के साथ में खाओ। जब दो चार लोग साथ में बैठे हो तो ये नहीं कि टेबल के बीच से ही आप कुछ भी उठाने लगे, ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप दूसरे अपने बगल वाले से बोलो कि प्लीज़ वो पास करना है ना, वो जो भी बाउल है ना। इस तरीके से आप क्या है कि अलग अलग तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि डिनर, ये तो बेसिक एटिक्स जो भी होते हैं वो हमारे चार टाइप के ही होते हैं और होने को तो बहुत सारे हो गए, अलग अलग भी होते हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस एटिक्स के अंदर इतनी चीज़ आती है हमारी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इतना भी अगर आप लिख दोगे और इतने के साथ में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखोगे तब पर भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंस क्या होता है, कॉन्सेंस के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। प्लस कॉन्सेंस क्या होता है, प्लस कॉन्सेंस में क्या होता है कि इंटरव्यूअर होता है, यानी कि जो भी मीडिया होती है वो किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू लेती है। तो प्लस कॉन्सेंस में बात क्या होती है कि फॉर्मल मीटिंग होती है, यानी कि एक तरीके की मीटिंग होती है, कॉमन बैकग्राउंड के लोग होते हैं इसमें इकट्ठा होते हैं, जैसे टीचर से रिलेटेड कॉन्सेंस हो गया, डॉक्टर से रिलेटेड कॉन्सेंस हो गया, इसमें कोई ऐसे लोग नहीं आते जो कि आउटसाइडर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेंस का मतलब कि सेम प्रोफेशन से रिलेटेड, सेम बैकग्राउंड से रिलेटेड लोग होते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंस आर जनरली लिमिटेड इन ड्यूरेशन, यानी कि दो तीन दिन का भी कॉन्सेंस हो सकता है और टेन टू हैव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और उसका कोई ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। वहीं अगर सिंपोजियम की बात किया जाए तो सिंपोजियम जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलर फॉर्म होता है कॉन्सेंस का, और ओनली ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इसमें अलाउड होते हैं, कि जो भी ग्रुप एक्सपर्ट्स हैं वही अलाउड होंगे, आउटसाइडर्स नहीं अलाउ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेमिनार्स के बारे में देखो, सेमिनार क्या होता है कि सभी लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो उसमें सेमिनार्स को कंडक्ट कराया जाता है। जैसे मान लो कि अलग से आउटसाइडर स्पीकर को बुलाया गया, कोई भी इंफॉर्मेशन को देना हो गया, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को आपको डिटेल से आपको कोई भी चीज़ होती है उसको उसके बारे में एनालिसिस करने के लिए आपके सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का एजुकेशनल इवेंट होता है, इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर, मतलब कि जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं, गैदर टुगेदर टू लर्न मोर अबाउट अ सर्टेन टॉपिक और सब्जेक्ट, मतलब सभी लोगों को एक सब्जेक्ट या टॉपिक को पढ़ना होता है, तो वही क्या होता है, सेमिनार होता है। इसके टाइप्स देख लो, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हमारे सेमिनार्स कॉलेजेस में कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो भी होते हैं आप पैसे दे करके जाते हो, जैसे संदीप महेश्वरी का आपको देखना हो, उनका सेमिनार लेना हो तो आप जाते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बताई जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखो, सेमिनार इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो भी हमारे स्कूल कॉलेजेस में सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं वो हो गए सेमिनार। उसके बाद में इन्वाइट स्पीकर, अलग कोई भी स्पीकर है उसको इनवाइट किया जाता है। तो इस तरीके से ये सब क्या हो गया, टाइप ऑफ सेमिनार की, इस तरीके से टाइप क्या है सेमिनार्स के। अब देखो वर्कशॉप क्या होती है, वर्कशॉप भी सेमिनार का ही तरीका होता है, बट वर्कशॉप में क्या होता है, प्रैक्टिकल नेचर में होता है। सेमिनार में क्या होता है कि केवल आपको जाना है, बैठ करके सुनना है, बट ये क्या होता है वर्कशॉप, इसमें आप जाकर के प्रैक्टिकल भी चीजों को करके भी देखते हो। तो इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेमिनार बट मोर प्रैक्टिकल इन नेचर, इसमें क्या होता है आप चीजों को करके भी देखते हो, तो प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सेमिनार। उसके बाद में लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच, यानी कि आप करके चीजों को देखते हो, यानी कि लर्न करके देखते हो, सारी चीजों को लर्न करते हुए देखते हो, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। उसके बाद में देखो कि डन फॉर अ वीक और मोर डेज, मतलब इसकी वर्कशॉप जो भी होती है, जैसे मान लो अगर आपको ट्रेनिंग लेना होता है तो आपकी एक हफ्ते तक, एक महीने तक की जो भी आपकी इंटर्नशिप वगैरह होती है वो क्या होती है, वर्कशॉप के अंदर आती है ना, वो आपकी क्या हो गई, वर्कशॉप, यानी कि आप जाते हो जाकर के उस वर्क प्लेस के, उस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हो, थोड़ा प्रेशर में काम करने की आपकी आदत होती है, मतलब आपकी उसकी आदत डलवाई जाती है, और थोड़ा आप काम करते हो, चीज़ों को सीखते हो, लर्न भी करते हो और लर्निंग भी करते हो और काम को भी करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से काम को कर करके सीखते हो, ठीक है। जो डन फॉर अ वीक और मोर डेज, मतलब कि इसको एक दिन भी हो सकता है, इसको महीने भी लग सकते हैं, एक साल तक के लिए भी कोई कोई ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनिंग देने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टाइप ऑफ वर्क शॉप में इसकी बात करें, तो ब्रेन स्टॉर्म की वर्कशॉप, अगर मान लो कोई ऐसा टॉपिक जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो तो उसका ब्रेन स्टॉर्म किस तरीके से करोगे, यह होगा आपका ब्रेन स्टॉर्म का वर्कशॉप। इसके बाद टेक्निकल वर्कशॉप, टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। टीम एक्टिवेशन वर्कशॉप की, टीम को एक्टिव किया जाता है, अगर मान लो कोई भी काम नहीं करता तो उस वर्कशॉप में क्या होता है कि सभी लोगों से काम को करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। उसके बाद में डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप, यानी कि डिजाइन थिंकिंग में क्या होता है, सभी लोगों को क्या होता है, कोई प्रॉब्लम दिया जाता है और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से उसके सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं, अल्टरनेटिव्स को ढूंढा जाता है, उसके बाद में एक सिंगल अल्टरनेटिव के ऊपर काम किया जाता है। ये क्या है आपका डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप, ठीक है। तो वर्कशॉप के बारे में अगर आएगा तो आप लिख सकते हो, ठीक है, आई होप सो। अब देखो यहाँ पर एक सबसे लास्ट का इंपॉर्टेंट, हमारा लास्ट का टॉपिक बचता है, दैट इज़ की इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन बिजनेस नेटवर्क। सो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हो, टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे कि हमारे टेक्नोलॉजी क्या है कि
हम आप अपने मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, लैपटॉप्स, टीवीज़ वगैरह का यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है बिज़नेस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में, तो जैसे मोबाइल फ़ोन्स जो भी हो गए, मोबाइल टेक्नोलॉजी कैन हेल्प बिजनेस स्टे कनेक्टेड विद देयर कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़। अब देखो, आज से पहले जब मान लो कि फ़ोन वगैरह नहीं होते थे तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होती होगी कि अगर मान लो किसी कोई एम्प्लॉय नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो अभी क्या है कि केवल आपने फ़ोन किया, पता कर लिया रीज़न, क्यों नहीं आ रहे हो भाई, ठीक है। अगर वो पहले था तो नहीं तो क्यों नहीं आ रहा रीजन का पता करना मुश्किल था, क्योंकि हम क्या करते थे, डायरेक्ट उसके घर से कांटेक्ट करते थे लेटर्स के थ्रू। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं बिजनेस में, जैसे कि अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, है ना, अलग अलग तरीके के आप एडवर्टीजमेंट को भी देखते हो यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें भी क्या है कि अलग अलग चीज़ों को आप देखते हो और कनेक्ट हो पाते हो इसके थ्रू। तो यहाँ पर ये सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका जो भी बिजनेस होता है वो प्रोग्रेस करता है ना, कहीं आप एडवर्टीजमेंट दिखाते हो, कहीं पर से आपको क्या होता है कि कोई का आपका वीडियोस देखते हो, तो वीडियो के थ्रू भी कोई लोगों का प्रमोशन अपने ब्रांड का अपने इमेज के करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट एंड हाउ डू दे वर्क, यानी कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं और किस तरीके से काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन, देखो ट्रांसपोर्टेशन में भी आपकी टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कि GPS सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद में टेली कम्युनिकेशन, इसके अंदर आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया है बातचीत करने और अलग अलग आपकी बात करने के लिए, जो भी टेली कॉन्फ्रेंस में टेलीफोन्स हो गए, वीडियो कॉल्स वगैरह हो गई, ये आपके टेली कम्युनिकेशन में आ गया, ठीक है। तो ये किस तरीके से हेल्प करती है बिजनेस कम्युनिकेशन में, हमारी बहुत हेल्प करती है। मान लो कि हमको इंटरव्यू देना है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्ट इंटरव्यू ऐसे अपने घर से बैठ करके दे दिया, ठीक है, हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा, हमारा बैकग्राउंड क्लीन हो, आसपास नॉइज ना हो, इन सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आराम से अपने घर पर बैठ करके भी काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम इस तरीके से यानी कर सकते हैं। उसके बाद देखो इंटरनेट के थ्रू भी हम कितना कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट की मतलब बातें बताना, उसके बहुत बड़ा एक तरीके से वर्ल्ड वाइड क्या है नेटवर्क होता है, तो इंटरनेट क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी बिजनेस को ग्रो करने में। उसके बाद में दूसरा हमारा आता है इंटरनेट, तो दोस्तों में डिफरेंस होता है, इंटरनेट अलग होता है, इंटरनेट अलग होता है। इंटरनेट जो होता है बहुत बड़ा वाइड रेंज होता है, बट इंटरनेट क्या होता है, छोटे रेंज को कवर करता है। जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन में एक उनकी अलग से सॉफ्टवेयर होता है, उनका कोई भी एक तरीके सॉफ्टवेयर होता है जिसको कौन लोग एक्सेस कर सकते हैं, ओनली एम्प्लॉयज एक्सेस कर सकते हैं, केवल एम्प्लॉयज के लिए ही होता है वो, है ना। तो केवल जैसे उनका एम्प्लॉय कोड और पासवर्ड अगर उन लोगों ने डाला, तो वो पूरे कंपनी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं कि क्या कंपनी में चल रहा है और कितनी उनकी अटेंडेंस कितनी, सारी चीज़ों को केवल वही लोग एक्सेस कर सकते हैं, बाकी दूसरे जगह के आउटसाइडर्स उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस कई बार पूछा जाता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद में SMS हो गया आपका, SMS भी क्या करता है, शॉर्ट मैसेजेस से भी आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो अपने बिजनेस के थ्रू। उसके बाद ईमेल्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो यही था हमारा लास्ट में इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा यूनिट 5th भी कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक करना मत भूलिएगा, जरूर से उसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है बनाने में, और मेहनत के अलावा दोस्तों सारी चीज़ें एक तरीके से आपका मोटिवेशन प्यार भी पता चलता है कि कितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर से मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे होने वाले, तो 1.5 घंटे के अंदर हम लोगों ने पूरी चीज़ों को कर किया है, ठीक है। जो 6 महीने का सिलेबस होता है उसको 1.5 घंटे के अंदर हम लोगों ने जल्दी जल्दी रिवाइज के थ्रू कर किया। बाकी अगर आप डिटेल से देखना चाहते हो तो पूरी प्लेलिस्ट चेक करो जा करके, ठीक है। और अगर कोई भी आपको कुछ लगता है कहीं कमी रह गई, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया, तो उसको आप प्लीज़ एटलीस्ट मेंशन करके बताओ, जिसको मैं उसको भी कर करूँ, ठीक है। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो बताओ, कोई भी क्वेरी हो तो बताओ, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF चाहिए तो उसके लिए WhatsApp कर देना। थैंक यू वंस अगैन।